लेखक और बहुत बड़े चित्रकार खलील जिब्रान ने कहा था कि अगर आपने किसी व्यक्ति को कोई काम संपन्न करने का वचन दिया है, अगर आपने किसी व्यक्ति को कोई काम संपन्न करने का वचन दिया है तो उसे जरूर पूरा करिए, क्योंकि यदि आप ऐसा बंद नहीं हो गया करेंगे, है कि म्यूट है, मतलब चालू क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी पहचान एक झूठे व्यक्ति के रूप में स्थापित हो जाएगी। और वहीं यदि आप बंद दिए गए वचन को यदि आप पूरा करते हैं तो आपकी पहचान लोगों के बीच में एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में होगी। वक्त के बारे में कहा गया है, वक्त ऐसे ही अपना ना जाया करो, दूर रहकर हमेशा हुए फासले, चाहे रिश्ते कितने ही करीब क्यों ना हो, कर लिए बहुत काम लेन देन के, बिना मतलब कभी तो जाया करो। पद पैसे की इच्छा बुरी तो नहीं, मार डालो जमीर कहाँ ये सही, जैसा देखेंगे बच्चे वैसा ही सीखेंगे, पैर अपने माँ बाप के भी दबाया करो। काला कौवा भी है, काली कोयल भी है, कोयल सभी को भाती क्यों है, सुकून दे चैन दे दिल को अपने मुंह में, ऐसे ही अल्फाज लाया करो। जब संघर्ष है तभी मंजिल मिला, सब कुछ सुविधा नहीं यार जीवन में, जिस गली जिस शहर में चला सीखना, दर्द उसके मिटाने भी जाया करो। यार जो भी करो तुम संभल कर करो, सर उठे गर्व से ना झुके शर्म से, यार जो भी करो तुम संभल कर करो, सर उठे गर्व से ना झुके शर्म से, वक्त रुकता कहाँ है किसके लिए, ऐ दोस्त वक्त ऐसे ही अपनी ना जाया करो। असफलता से सबका कभी न कभी अवश्य सामना होता है, लेकिन उस पर हमें शर्मिंदा होने के बजाय, मतलब हमें शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं, हम असफल हो जाते हैं, परीक्षा हो चाहे जीवन में कई बार किसी किसी कार्य में असफल हो जाते हैं, लेकिन हमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, हमें इसे सदैव आत्मसात करके आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा भविष्य हमारे अतीत जैसा कदापि नहीं रहता, हमेशा बदलता है। असफलता से हम बहुत कुछ सीखते हैं, तभी सफलता मिलती है। इस तरह से जो हम करना चाहते हैं वही कर सकते हैं, वही कर सकेंगे। याद रखिए, जीत सदा उन्हीं की होती है जो अपने अतीत को अपने भविष्य पर कभी हावी नहीं होने देते। इस लाइन को मैं दोहरा रहा हूं, याद रखिए, जीत सदा उनकी होती है जो अपने अतीत को अपने भविष्य पर कभी हावी नहीं होने देते, क्योंकि योग्यता और क्षमता का रहस्य तब तक प्रयास करते रहने में छिपा होता है जब तक हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। मदर टेरेसा ने ठीक ही कहा था, और यही खुद में सुधार लाने का एक शानदार फॉर्मूला भी है। कहते हैं कि जीवन एक अवसर है, इसका लाभ उठाइए, जीवन एक सौंदर्य है उससे निहारिए, जीवन एक स्वप्न है इसे साकार करिए, जीवन एक चुनौती है इसे स्वीकार करिए, जीवन एक बड़ी जिम्मेदारी है इसे पूरा करिए, जीवन एक खेल है इसे खूब खेलिए, जीवन एक वादा है इसे निभाइए, जीवन एक दुख है इससे पार पाइए, जीवन एक गीत है इसे गुनगुनाइए, जीवन एक संघर्ष है इसे स्वीकार करिए, जीवन एक त्रासदी है इसका सामना करिए, जीवन एक अभियान है इसे पूरा करिए, जीवन किस्मत है इसको चमकाइए, जीवन बहुमूल्य है इसे नष्ट ना करिए, जीवन जीवन है और इसके लिए सदैव लड़िए। तो
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कार्यशाला के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, अंतिम दिवस पे आ चुके हैं, और पिछले 5 दिनों से हम लोग इस पूरे कार्यशाला में जिस प्रकार से हम लोगों ने अपनी सहभागिता दर्ज की है उसको शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है। जिन्होंने काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन दिया, अपने अच्छे अच्छे फीडबैक दिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और सही रास्ता चुना, मुझे लगता है कि इस वर्कशॉप से, इस कार्यशाला से आने वाले दिनों में आप लोगों को इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अपने जीवन में। यदि आप इस वर्कशॉप को यदि आप अच्छे से सुने हैं, कुछ बातों को गहराई से अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो निस्संदेह आने वाले समय में आपको बहुत कुछ लाभ मिल सकता है। 55 पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं, बस 5 की और प्रतीक्षा, 60 हो जाए हम कार्यशाला की शुरुआत कर देंगे। आज हम कुछ रेंडमली कुछ ऐसे बच्चे को सेलेक्ट करेंगे और उनसे हम चाहेंगे कि उनसे हम फीडबैक लें ओरली, ये हम लोग लास्ट में करेंगे। आज का जो शेड्यूल है मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा 10 मिनट हम लोग लेट से चलेंगे क्योंकि पार्टिसिपेंट्स टाइम से नहीं जुड़ पाते हैं तो दिक्कत होती है। खैर, हम लोग 10-15 मिनट या 20 मिनट आधा घंटा आगे आज चूँकि लास्ट डे है तो हो सकता है मे भी जाएगा। आज हमारे वर्कशॉप की रिपोर्टिंग जो है हमारे सौरभ सर करेंगे। इसके पहले आज जो हमारा टेक्निकल सेशन है वो लगभग 1 से 1.25 घंटे का ही है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स यदि आपके द्वारा होंगे तो वो आप लोग पूछेंगे हमारे रिसोर्स पर्सन से। उसके बाद समापन समारोह का जो सत्र है वो स्टार्ट हो जाएगा, वैलिडेटरी सेशन, जिसमें सबसे पहला पूरे वर्कशॉप की रिपोर्टिंग, वर्कशॉप का प्रतिवेदन हमारे सौरभ सर प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हम कुछ बच्चों से ओरली फीडबैक लेंगे मौखिक तौर पर में, वो कोई भी हो सकता है, आप लोग रेडी रहेंगे। जैसे ही मैं आपका नाम लूंगा आप तुरंत अपना ऑडियो अनम्यूट करके आप अपना फीडबैक देंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 1 से 2 मिनट का समय लेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द अपनी बातों को रखें। उसके बाद आज वैलिडेटरी एड्रेस भी हमारे प्रिंसिपल मैम के द्वारा होगा। उसके बाद शुभकामना संदेश हमारे डायरेक्टर सर के द्वारा भी होगा, अविनाश सर के द्वारा। फिर हमारा मेमेंटो प्रेजेंटेशन हमारे डायरेक्टर सर के द्वारा, धन्यवाद ज्ञापन मेरे द्वारा, और लास्ट में आज हम लोग राष्ट्रगान भी करेंगे। इस तरह से आज का हमारा शेड्यूल है और कोशिश करेंगे हम लोग कि इस वर्कशॉप का जो हमने अनुभव हासिल किया है पिछले 6 दिनों से 5 दिनों से उसको निस्संदेह अपने जीवन में उतारें, क्योंकि हम बहुत कुछ सीखते हैं लेकिन उसको जीवन में उतारते नहीं। समय पर चर्चाएं हुई, गोल सेटिंग पर चर्चाएं हुई, मोटिवेशन पर चर्चाएं हुई, क्या नहीं चर्चाएं हुई, जिसका हमारे जीवन से काफी गहरा नाता है, काफी गहरा संबंध है। अभी हमारी टेक्निकल टीम ने बता दिया है कि 60 पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं, बस हम जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग वर्कशॉप के प्रारंभ में अपने सरस्वती माँ की आराधना हम लोग करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनके चरणों में अपने शीश झुकाएं, पुष्पांजलि माल्यार्पण मन ही मन करें और साथ ही साथ ये सरस्वती वंदना हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तुरंत हमारी प्रिंसिपल मैडम भी जुड़ी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, अपने रिसोर्स पर्सन का भी स्वागत करते हैं और अभी आपके सामने प्रस्तुत है सरस्वती वंदना।
ओम शांति 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 ही। मैं इस कार्यशाला के अंतिम दिवस पर अपने रिसोर्स पर्सन सुमित दत्ता सर का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, और बिना औपचारिकता के मैं इस सेशन की शुरुआत के लिए मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय सुमित सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके, तो देखते देखते ये वर्कशॉप का आखिरी दिन आ चुका है हमारे। जैसे मैंने पहले दिन बोला था कि ये एक जर्नी है, जर्नी की एक साथ जो हम वर्कशॉप कर रहे हैं, वर्कशॉप का तो आज आखिरी दिन है, लेकिन जर्नी फिलहाल अभी शुरुआत हुई है इसका। ये जर्नी हमारे पूरा जीवन तक चलेगा। इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी विच विल टेक विच यू जस्ट स्टार्टेड थ्रू दिस वर्कशॉप। ओके, तो पार्टिसिपेंट्स बोलिए कैसा लग रहा है, आज आखिरी दिन है, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? ओके, तो जैसा का हमारा सिलसिला है कि हम पिछले दिन का थोड़ा फीडबैक रिकैप कर लेते हैं, तो झा सर आप किसी पार्टिसिपेंट को चुनिए जो फीडबैक देगा पिछले दिन का। ओके, सलोनी पता नहीं, सलोनी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। फीडबैक देना है सर, कल कल क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहा। सलोनी जी आपकी आवाज, सलोनी आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा अपना नेटवर्क चेक कर लें। सलोनी आप अपनी आवाज, यस हाँ, थोड़ा नेटवर्क देख लें आप बोलें, एक बार बोल के देखें। हाँ आप सर, अब आ रही है क्या? हाँ हेलो हेलो सर, इज इट क्लियर राइट नाउ? एकदम एकदम क्लियर है। मैं बोल रही सर, मैं ये बोल और उसमें ये बताया कि कैसे हम लोग असर्टिव रह सकते हैं, कैसे हम दूसरों की बातों को सुन सकते हैं, अचीव करने के लिए उसको सलोनी सॉरी आपकी आवाज क्लियर जो है नहीं आ रही है, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ, आप थोड़ा सा एक बार नेटवर्क चेक कर, मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ, आप एक बार नेटवर्क चेक कर लें, तब तक मैं दूसरे पार्टिसिपेंट से बात कर रहा हूँ। आकांक्षा मिश्रा आप बताएं, आकांक्षा आप बताएं। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर कल की क्लास में सबसे पहला जो टॉपिक था वो था हाउ टू बी असर्टिव, और उसमें सर आपने बताया था कि मतलब असर्टिव बनने के लिए हमें सबसे पहले दूसरों को सुनना चाहिए, और उसके बाद दूसरों से कंफर्म भी करना चाहिए कि क्या हमने आपको सही समझा, और उसके बाद हम जिससे भी बात कर रहे हैं ये बात करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या वह इंसान बात करने की स्थिति में है या फिर नहीं है, और जब वह इंसान जब बात करने की स्थिति में हो तब हमें अपनी फीलिंग्स को उसे बताना चाहिए और रीजन के साथ बताना चाहिए, ऐसे बताना चाहिए कि जिससे सामने वाला इंसान हर्ट ना हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था सर टाइप्स ऑफ मैनिपुलेशन। टाइप्स ऑफ मैनिपुलेशन में सर आप बताए थे कि जब आपको आप कोई गोल डिसाइड करते हैं और उस
उस गोल से दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके भी बहुत सारे टाइप्स थे. फर्स्ट वन वॉज लाफिंग ऑफ. जब किसी के गोल जब हमारे गोल को सामने वाला इंसान जो है वो हंसकर और हमें अपने गोल से डाइवर्ट करने की कोशिश करता है. सेकंड था वाइड क्वेश्चन. इसमें था कि आपका जो भी गोल है, मतलब हमारा जो भी गोल होगा उसमें बहुत सारे सवाल खड़े होंगे कि हमें ये गोल क्यों करना है और ये करने से क्या होगा, मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन ऐसा होगा. थर्ड वन वॉज क्लाउडिंग. क्लाउडिंग में ये था कि जब हमारे गोल से, मतलब हम तब भटक जाएं जब लोग हमें हमें मतलब इधर उधर की बातें करके घुमा फिरा कर हमें हमारे गोल तक पहुंचने में मदद ना करें और हम अपने गोल से डेविएट हो जाएं. उसके बाद था इमोशनल ब्लैकमेल, जिसमें हम मतलब पिछला एहसान जता कर कि हमने तुम्हारे लिए ये किया वो किया ऐसा करके हम लोग लोगों को गोल से भटकाने का प्रयास करते हैं या फिर कोई हमें हमारे गोल से भटकाने का प्रयास करे. फिर एक था थ्रेट, जिसमें कि लास्ट में था कि मतलब धमकी देना जैसा थ्रेट हो गया ये तो. और गैदर अदर, मतलब जब लोग हमें हमारे गोल से भटकाने के लिए, हमें मैनिपुलेट करने के लिए दूसरे लोगों को इकट्ठा करते हैं, दूसरे लोगों को उसमें इन्वॉल्व करते हैं कि ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, सो शी शुड नॉट डू दिस और शुड सी गो फॉर दैट, ऐसे करके. तो उस स्थिति में हमें ये करना चाहिए कि हमें जब दूसरे लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो तो हमें अपनी तरफ से भी अपना जो भी फीलिंग रहे और जो भी बातचीत रहे और जो भी अपनी भावनाएं रहे वो उस थर्ड पर्सन के सामने प्रकट करनी चाहिए, ताकि हमारी भी जो हमारा भी जो साइड है वो क्लियर रहे. और लास्ट था अवॉइड, कि लोग हमारे गोल को सीधे सीधे अवॉइड करेंगे अगर हम किसी से शेयर करते हैं कि हाँ आई वॉन्ट टू डू दिस डू दैट, तो वो उसमें हमें सपोर्ट करे ना करे मगर वो सीधा सीधे उसको अवॉइड जरूर कर देंगे. अब ये था कि अगर हमारे सामने इस तरह का कोई मैनिपुलेशन आता है तो हम लोग उसको हैंडल कैसे करते हैं. तो इसमें फर्स्ट वन था ब्रोकन रिकॉर्ड, जिसमें कि था कि मतलब नहीं, हमें कोई कितना भी भटकाने की कोशिश करे या फिर कुछ भी करे लेकिन हमें हमारे गोल पर डटे रहना है. उसके बाद था कंटेंट टू प्रोसेस शिफ्ट. इसमें था कि यही है कि लोग हमें हमारे ओरिजिनल टॉपिक से भटकाएंगे, मतलब हमें मे भी वो चॉइस दे दे कि तुम ये नहीं ये कर लो, लेकिन हमें हम अपने ओरिजिनल चॉइस पर बने रहना है कि नहीं अगर हम ये करना चाहते हैं तो हमें ये ही करना है. उसके बाद था असर्टिव डिले. मीन्स अगर हम इसमें है कि हम बात नहीं करना चाहते तो हम उसको मतलब उस विषय में अगर कोई हमसे बात नहीं करना चाहता है तो वो उसमें उसको मतलब अगर हम किसी को अपने गोल समझा रहे हो कि हाँ आई वॉन्ट टू बी अ टीचर और अगर वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा तो वो उस टॉपिक से हमें भटका देगा, वो कुछ और टॉपिक उसमें बीच में डाल देगा कि ये बात कर लेते वो बात कर लेते लेकिन ये टॉपिक से हट जाओ. उसके बाद एक था डिफ्यूजन, कि जिसमें इमोशनल एस्पेक्ट था शायद. और नेक्स्ट वन वॉज इंटरेक्ट विथ अदर्स. इंटरेक्ट विथ अदर्स ये वही था कि जो पहले वाला मैनिपुलेशन में जब लोग हमें दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं तो हम इन्वॉल्व पर्सन के साथ खुद भी इन्वॉल्व होकर अपना साइड क्लियर करना चाहिए. और एम्पैथेटिक इंक्वायरी, इसमें था कि हम जिस भी इंसान से अपने गोल को लेकर बात कर रहे हैं और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपने गोल से कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किए जा रहे हैं तो हमें सामने वाले इंसान से एक पर्टिकुलर टाइम प्लेस और उसकी सुविधा का बात करना चाहिए कि आप बताओ कि हम आपसे इस विषय में कब बात करें ताकि जो बात हो वो अच्छे से हो पाए. और इसके बाद था कि हमें अपने गोल को पाने में बहुत तरह का सपोर्ट सिस्टम भी मिलता है, जिसमें सबसे पहला था टेंजिबल सपोर्ट. टेंजिबल सपोर्ट मतलब वैसा सपोर्ट जो मटेरियल फॉर्म में हो, जिसे हम टच कर सकें और छू सके देख सके वैसा, जैसे बुक कॉपी मनी ये सारी चीजें. उसके बाद था इंफॉर्मेशन सपोर्ट. इंफॉर्मेशन सपोर्ट में कि जैसे हमें टीचर बनना है, अब टीचर बनने के लिए मुझे सबसे पहले बीएड करना है तो ये इंफॉर्मेशन मुझे जहां से भी मिली होगी वो मेरा इंफॉर्मेशन सपोर्ट था. उसके बाद नेटवर्क सपोर्ट, कि नेटवर्क सपोर्ट में सर आपने बताया था कि जब हमारा किसी गोल को कंप्लीट करने में अकम्प्लिश करने में जब हमारा कोई ग्रुप होता है और उस ग्रुप के साथ जब हम मिलकर बैठकर चर्चा करते हैं अपने गोल को लेकर के, तो अगर हमारा ग्रुप अच्छा है तो वो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव होता है और हम अपने गोल तक मतलब पहुंच सकते हैं नेटवर्क सपोर्ट के जरिए भी. नेक्स्ट वन था इमोशनल सपोर्ट, जिसमें कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपने गोल को पाने के दौरान कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि हम इमोशनल हो जाएं या फिर इमोशनल तो हर कोई होता है, तो जब हम इमोशनल
एक्सपीरियंस से गुजर रहे हों और उस समय अगर हमें कोई सपोर्ट करता है और हमें बूस्टअप करता है तो वो है इमोशनल सपोर्ट, फिर एक इस्टीम सपोर्ट है जब हम खुद को कम आंकने लगे और कोई हमें मोटिवेट करे, हमें बूस्टअप करे कि नहीं यू कैन डू दिस यू कैन डू दैट, तो जब ऐसा वाला सपोर्ट मिलता है तो उसे हम लोग इस्टीम सपोर्ट कहते हैं। और ये हर तरीके के सपोर्ट हमें हमारी लाइफ में किसी ना किसी पड़ाव पर लोगों से मिलते आया है और मिलता भी है और ये सभी को मिलता होगा। और सर आपने एक और चीज समझाया था सिंपैथी और एम्पैथी, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वेरी नाइस फीडबैक, आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरा दिन का कल का पूरा रिपोर्टिंग किया है। और कोई है और कोई बोलना चाहते हैं कुछ? मैं एक बार पुनः सलोनी को कॉल कर रहा हूँ। सलोनी आप एक बार अपनी आवाज को फिर से देख लें। यस सर, नाउ इज इट क्लियर? अब क्लियर, अभी आवाज तो आ रही है। सर सबसे पहले हम लोगों ने कैसे असर्टिव रहा जाए उसके बारे में सर आपने डिस्कस किया था। तो असर्टिव का मतलब यही होता है कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके, मतलब खुद को भी रिस्पेक्ट करके और उसके साथ साथ सामने वाले को भी रिस्पेक्ट करके अपने गोल्स को कैसे अचीव किया जाए वो आपने कम्युनिकेशन स्टाइल में बताया था। और ये भी बताया था कि ये सबसे अच्छा तरीका है, सबसे सही है कम्युनिकेशन स्टाइल में। उसके अलावा आपने कैसे रहा जाता है असर्टिव वो बताया था कि हम दूसरों को सुन के उनके गोल को और अपने गोल को दोनों को रिस्पेक्ट करेंगे और फिर अपने अपने वर्ड्स को या हर चीज को, जैसे हम अपने आप को भी एक सही पोजीशन पे रह के दूसरों की भी सुनेंगे और खुद की भी बात करेंगे और खुद का गोल को भी इम्पोर्टेंस देंगे। उसके अलावा टाइप्स ऑफ मैनिपुलेशन आपने बताया था, सही में सर हम लोग ये नहीं जानते थे कि ये इस तरह से भी एक किसी इमोशनल को या किसी को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इसमें हमें पता चला कि लाफिंग ऑफ बताया था, जैसे आकांक्षा ने बहुत सारे बहुत अच्छे से बता दिया, तो मैं बस इसको वाइंड अप करूंगी कि हम लोगों ने समझा था लाफिंग ऑफ को एक वाई क्वेश्चनिंग आता है कि क्यों आप ये करना चाहते हैं, ये भी वो लोग एक तरह से मैनिपुलेशन ही करते हैं, क्लाउडिंग करते हैं चीजों को, इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट या ये कर देते हैं कि इंसान को समझ में नहीं आता है। उसके बाद इमोशनली ब्लैकमेल शुरू होता है, थ्रेट भी दिया जाता है अपने तरीका से इमोशंस को मैनिपुलेट करने के लिए और उसके साथ साथ दूसरों को गैदर करके और फिर मतलब उसी तरह से उसके इमोशंस के साथ एक तरह से उसको समझाया जाता है। और उसके अलावा हम लोग इस चीज को हैंडल कैसे करें, तो ब्रोकन रिकॉर्ड्स में बताया था कि अपने जो व्यू है उसको हमेशा रिपीट करते रहो ताकि वो दूसरों पर इन्फ्लुएंस हो। उसके साथ साथ कंटेंट टू प्रोसेस शिफ्ट, असर्टिव डिले और डिफ्यूजर, और फिर कैसे दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना है और एम्पैथेटिक इंक्वायरी, उसके साथ हमारा क्या क्या सपोर्ट सिस्टम है इन चीजों को हासिल करने के लिए, तो हमारे गोल को हासिल करने के लिए। तो टैंगेबल सपोर्ट था जिससे हमें पैसा का, बुक का या किसी तरह से नोट्स का, सामान का हमें सुविधा मिले जो हमें मिलता है फैमिली फ्रेंड रिलेटिव ये सबसे। फिर इंफॉर्मेशन सपोर्ट, मतलब किसी चीज का इंफॉर्मेशन या एडवाइस या सजेशन, ये सब हमें फैमिली फ्रेंड्स ये सब फैकल्टी इंटरनेट तक से भी हम लोग को मिलता है, तो ये भी एक तरह का सपोर्ट सिस्टम है। फिर नेटवर्किंग सपोर्ट, मतलब कुछ ऐसा होता है कि उसमें हमें सिर्फ आप अकेले किसी चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे, उसमें आपको सबकी जरूरत होती है, तो वो एक नंबर मतलब होता है ऐसे कि एक से ज्यादा जन का आपको जरूरत है और सब ये सारे आपको सपोर्ट करें तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। फिर एक होता है इमोशनल सपोर्ट, तो इमोशनल सपोर्ट में सीधे जो इमोशनली हर्ट रहते हैं, जो जिनके अंदर बहुत सारा नेगेटिव फीलिंग होता है, उनको पॉजिटिव करने के लिए, उनको अच्छा फील करवाने के लिए कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो जिनसे बात करने के बाद आप हमेशा फील गुड कर एहसास करते, तो दैट वाज द इमोशनल सपोर्ट। और एक है स्टीम सपोर्ट कि हाँ आपको आपके ईगो को बूस्ट अप करने के लिए, आपके स्टीम को बूस्ट अप करने के लिए एक स्टीम सपोर्ट होता है जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव और कॉलेज या वर्क प्लेस, बहुत जगह हमें कहीं से भी ये सब मिल सकता है स्टीम सपोर्ट। और जैसे
एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इस टीम सपोर्ट हम लोग को हमारे कॉलेज में भी मिलता है, जब सर वेरी गुड और ये बोलते हैं तो वो एक तरह से हमें बूस्टअप करता है, हमें ऐसा लगता है कि नहीं यू आर वेरी यू कैन डू एवरीथिंग। और उसके साथ साथ फिर आपने ये बोला था कि आपके जो सपोर्ट सिस्टम है उनके बारे में आप लिखिए कि सबसे ज्यादा आपको कौन सपोर्ट करते हैं, आपके पेरेंट्स हैं या जो भी हैं टीचर्स हैं पेरेंट्स हैं तो कैसे सपोर्ट करते हैं ये बताइए सर। इतना तक मुझे समझ में आया था। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। और कोई है क्या? नहीं सर, मैं देख नहीं रहा हूँ, यदि आप चाहें तो एक दो लोगों को और कॉल करूँ सर। हाँ हाँ, हेलो, क्या एक दो लोगों को और मैं करूं? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक, हाँ हम आगे बढ़ते हैं। नीरज सर, आप इस पावर पॉइंट के एकदम अंत में आइए, एकदम लास्ट में आइए, एकदम लास्ट में, लास्ट में। बहुत सारे पावर पॉइंट्स है तो एकदम वो स्क्रोल करके नीचे चली आई। अच्छा यहां पर रुकिए बस, थैंक यू थैंक यू। आगे वाला स्लाइड इस, हाँ ये तो पार्टिसिपेंट्स आज क्योंकि आखिरी दिन है तो जैसे मैंने बोला था कि इमोशन को कैसे मैनेज किया जाए, हम उसी पर चर्चा कर रहे थे। बीच में कम्युनिकेशन स्किल्स हमने थोड़ा सीख भी लिया और कैसे कम्युनिकेशन को आगे ले जाए, असर्टिव कम्युनिकेशन हो, कैसे मैनिपुलेशन किस किस तरीके से होता है और कैसे उसको हैंडल किया जाए, कहाँ से हमको सपोर्ट मिल सकता है, ये सब हमने इसी बीच चर्चा कर लिए। अब हम लौटते हैं इमोशंस, क्योंकि हमारा इमोशंस अगर मैनेज ना हो तो हमारे कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि हम हर वक्त गुस्से में हो सकते हैं तो एग्रेसिव हो जाएंगे, एग्रेसिव कम्युनिकेशन। अगर हम डर गए या फिर एंजाइटी में आ गए, एंजाइटी छा गए हमारे ऊपर तो हम पैसिव हो जाएंगे, तो ये तो जायज नहीं है। तो इसलिए हमको पहले अपना इमोशंस कंट्रोल करना पड़ेगा। और आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हमारे थॉट्स को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट? तो अब आप सब लोग वो स्क्रीन पर देखिए कि हम एक मॉडल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मॉडल इज कॉल्ड, बिल्कुल बच्चों की तरह है ये, एबीसीडी सिखा रहे हैं हम आपको, ठीक है? आप सब देख लीजिए, ये एबीसीडी है स्कूल, मान लीजिए आप नर्सरी में फिर आ गए, देख लिए ए बी सी डी ई एफ जैसा है। अल्बर्ट एलिस नाम के एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट थे, उन्हीं का मॉडल का थोड़ा हमने उन पर चर्चा करके उन पर थोड़ा एडिशंस करके ये मॉडल बनाए हैं। तो ए स्टैंड्स फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट, आपके साथ मान लीजिए कोई घटना हो रहा है तो वो बन गया आपका एक्टिवेटिंग इवेंट। मान लीजिए कि कोई सर आपके सामने आ रहा है, ये एक इवेंट है, आप देख रहे हैं, सर को देखते ही आपको डर लगना शुरू हो गया, इमोशंस आ गया, या फिर किसी ने आपके साथ अन्याय किया है तो उसे देखते ही आपके मन में क्रोध पैदा हो गया या फिर आप गुस्से में आ गए, ठीक है? सो दैट इवेंट बिकम्स योर एक्टिवेटिंग इवेंट। और जब ये इवेंट एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे अंदर कुछ बिलीव्स भी है, बिलीव्स पैदा हो जाते हैं। ये बिलीव्स किस तरह का है कि अरे ये तो वो लड़का है, इसको सबक सिखाना ही है, या फिर अरे बाप रे ये सर आ गया, ये या फिर ये मैडम आ गया तो अरे बाप रे तो अब न जाने क्या होगा, मेरे साथ बहुत बुरा हाल होगा मेरा, ये आपका बिलीव तुरंत पैदा हो जाता है। इसलिए इसको कहते हैं एक्टिवेटिंग इवेंट ट्रिगर्स ऑटोमेटिक थॉट्स, और वो ऑटोमेटिक थॉट्स है हमारे बिलीव्स, देखते ही हमारे अंदर ऑटोमेटिकली वो थॉट्स आ जाते हैं, ठीक है? और थॉट्स है बिलीव्स जो या तो रैशनल होते हैं या फिर इरैशनल होते हैं। अब मान लीजिए कि
जैसे हमने एग्जाम्पल दिए थे कि कॉकरोच आ गया या फिर छिपकली आ गया, तुरंत आपकी बिलीफ शुरू होगा, अरे मैं तो मर जाऊंगा या फिर मेरा कुछ भयानक मेरे साथ हो जाएगा। ये बन गया आपका इरेशनल थॉट। अगर सांप आ जाए या फिर कोई शेर आ जाए तब भी अगर आप डरे तो वो इरेशनल नहीं है, सही मायने में डरने वाला सिचुएशन ही है, डरने वाला एक्टिवेटिंग इवेंट ही है। ठीक है, तो पहले हमको ये तय करना पड़ेगा, हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ये इवेंट, ये जो बिलीफ हमारे अंदर पैदा हो गया, ये रैशनल है कि इरेशनल है। अगर रैशनल है तो कैसे उस इवेंट से हम जूझे, हम कैसे उस इवेंट को हैंडल करें, दैट वी हैव टू डिसाइड बेस्ड ऑन अ सपोर्ट सिस्टम या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग करें या फिर कुछ और तरीके हमको अपनाना पड़ेगा। अगर ये थॉट्स हमारी, ये बिलीफ्स हमारी इरेशनल है, उसी पर हम आज थोड़ा चर्चा करेंगे। क्योंकि ज्यादातर ये इरेशनल थॉट्स क्या करते हैं, अब देखिए सी जो है कॉन्सिक्वेंसेस, ये रिजल्ट क्या पैदा करते हैं कि हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ गया या फिर हम स्ट्रेस में आ गए। अगर ये स्ट्रेस बढ़ता ही जाएगा तो हमारा शरीर और मन, तन या मन दोनों खराब हो जाएगा, इलनेस आ जाएगा, आई विल फॉल सिक। और अगर ये फिर भी बढ़ता गया तो हमारे अंदर मानसिक या फिर शारीरिक रोग पैदा हो जाएगा, डिसऑर्डर्स जो हमको कहते हैं, जो हमें हम कहते हैं डिसऑर्डर्स। तो ये कॉन्सिक्वेंस क्या आपको अच्छा लगेगा? कोई बोलेगा कि ये कॉन्सिक्वेंस हमें मंजूर है, हमको पसंद है? एनीवन? हाथ रेज करें, कोई हाथ रेज करें। ऐसा कॉन्सिक्वेंस कोई चाहेगा कि हमारे साथ ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया है या फिर स्ट्रेस हो, आप कोई चाहते हैं? सिर्फ हाँ या सर हिलाने से हमको पता चलेगा, कोई हाँ है तो हाँ बोलिए बस। ऐसा क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। तो हमको क्या करने पड़ेगा, ये बिलीफ जो है वो, तो देखिए जो बी है बिलीफ जो है उसको हमको डिस्प्यूट करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं डी पर, वी हैव टू डिस्प्यूट दोस इरेशनल बिलीफ्स। ठीक है, हमको ये जो इरेशनल बिलीफ्स, जैसे पिछले दिन हम बोले थे कि हमको कुछ और अलग सा थॉट्स हमको सोचना पड़ेगा उसी सिचुएशन में। रिमेम्बर स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में हम क्या बोले थे कि We have to think of alternatives. जब हम इमोशनली स्टेबल स्टेट में होते हैं तब हम उन सब सिचुएशन के बारे में सोचेंगे जहां पर हमारे अंदर वो नेगेटिव इमोशंस जनरेट होते हैं। वो सब सिचुएशंस है हमारे एक्टिवेटिंग इवेंट। उस इवेंट में जो बिलीव्स हमारे अंदर पैदा होता है, उस बिलीफ को अगर वो इरेशनल हो तो उसको हमको बदलना पड़ेगा। अब बदलने के लिए तो पहले डिस्प्यूट करना पड़ेगा, उसको चैलेंज करना पड़ेगा। सो वी हैव टू डिस्प्यूट इरेशनल बिलीव्स एंड हैंडल आवर डिस्टॉर्शंस। तो डिस्प्यूट करके हम क्या करेंगे, वी हैव टू इवैल्यूएट अल्टरनेट, जो अब देखिए ई पर आ गए, वी हैव टू इवैल्यूएट अल्टरनेट थॉट्स कि इसी सिचुएशन में हम और क्या क्या सोच सकते हैं, हम और क्या क्या चिंता हमारे अंदर दोहरा सकते हैं। That becomes a E, evaluating alternate thoughts post dispute. Dispute के बाद हम alternate सोचेंगे। फिर हम आगे F पर कि हम furnish करेंगे rational alternatives. Evaluate करके irrational जो thoughts है उसको निकाल कर, उसको हटा कर हम rational alternatives, rational thoughts हम लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा ABCDEF model, जो ज्यादातर जो थेरेपी होते हैं, कुछ थेरेपी का हम आप जान लीजिए, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी या फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये सारे थेरेपी आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। ये कैसा होता है, ये इस थेरेपी में होता क्या है, करता क्या है थेरेपिस्ट। सो बेस्ड ऑन दैट आई मीन दिस मॉडल इज यूज्ड इन दैट इन दोस थेरेपी। दिस मॉडल सजेस्ट कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्शन। कॉग्निटिव मतलब हमारे चिंता, हमारे अंदर सोच, सोचने की तरीका, उस सोचने की तरीका को बदलना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए एक हमारा होता है स्वच्छ भारत कैंपेन,
जो मोदी जी ने शुरू किया है स्वच्छ भारत कैंपेन, मैं मानता हूं स्वच्छता पहले शुरू होना चाहिए हमारे सोचने की तरीका में। तो स्वच्छ भारत कैंपेन को मैं ऐसा बोलता हूं कि सोच भारत कैंपेन। अगर हम सही तरीके से सोचेंगे तो हम खुद में और पूरे एनवायरनमेंट में, पूरी दुनिया में हम स्वच्छता ला पाएंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर थॉट्स, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर थॉट प्रोसेस। ओके, स्वच्छता आना चाहिए सोच में। फॉर दैट वी हैव टू डू कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्शन टू रिप्लेस वंस इरेशनल थॉट्स विद रैशनल वंस टू रिमूव परसेप्चुअल एरर्स। जो परसेप्शन होता है, परसेप्शन में बहुत सारे टाइम हम गलतियां करते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। जैसे हमने बोला है पिछले दिन की वी आर ऑल ह्यूमंस, वी मेक मिस्टेक्स। सो इस मिस्टेक को हटाना पड़ेगा, इस मिस्टेक को हमको दूर करके उसको रिप्लेस करना पड़ेगा विथ रैशनल थॉट्स एंड वी हैव टू बी रियलिस्टिक। समझ गए? झा सर हम ऑडिबल है पूरी तरीके से? यस सर 100%। तो नीरज सर अब आप अगले स्लाइड पे आइए। यस, तो पार्टिसिपेंट्स अब देखिए कि जो हम इरेशनल थॉट्स बोल रहे थे, जो इरेशनल थॉट्स जिसको बदलना पड़ेगा, वो किस किस तरीके के होते हैं, अब हम थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे। आज हम थोड़ा स्लाइटली ज्यादा स्पीड पे जाएंगे क्योंकि आज वर्कशॉप के आखिरी दिन है, समय की थोड़ा कमी है, इसलिए मैं चाहता था कि थोड़ा और दिन ये वर्कशॉप अगर होता तो और भी बेहतर होता क्योंकि हम ज्यादा डिटेल में इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो थोड़ा हमारे साथ जुड़े रहिए, प्लीज ट्राई टू बेयर विथ मी, आई विल गो थ्रू दीज थिंग्स अ लिटिल फास्ट टुडे, थोड़ा जल्दबाजी में हम करेंगे। तो ये देखिए 15 किस्म का डिस्टॉर्टेड थिंकिंग होते हैं, 15 किस्म का इरेशनल थॉट प्रोसेस होता है। पहला जो है वो है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग मतलब आपको पता है फिल्टर करना, हमको पता है ना फिल्टर कॉफी होता है, फिल्टर वाटर फिल्टर होता है, वो क्या करते हैं छान कर उबाल लेते हैं कुछ चीज को। तो यहां पर क्या होता है कि मान लीजिए एक ही सिचुएशन में बहुत सारे पॉजिटिव्स भी है, बहुत सारे नेगेटिव्स भी है, लेकिन इसमें जो इरेशनल थॉट है वो क्या करता है कि सिर्फ नेगेटिव्स को फिल्टर करके वो अलग कर देता है। और ऐसे मान लीजिए कि होता है कि सिचुएशन पूरा नेगेटिव ही नेगेटिव है, लेकिन असल में रियलिटी में वो पूरा नेगेटिव नहीं है, उसमें पॉजिटिव भी है, लेकिन वो फिल्टर्ड आउट हो गया, वो फिल्टर करके उसको हम निकाल दिया। अब हम ऐसे देखते हैं कि सिचुएशन पूरा नेगेटिव है, नेगेटिव्स ऑफ अ सिचुएशन आर ओनली टेकन एंड मैग्नीफाइड फिल्टरिंग आउट ऑल पॉजिटिव्स। वो नेगेटिव को हम लेते हैं, उसको बड़ा चढ़ाकर हम देखते हैं। मान लीजिए आप कोई असाइनमेंट कॉलेज में आप जमा किए हैं और सर ने आपको बहुत प्रशंसा किया है, बहुत अच्छा बोला है कि मान लीजिए 10 में से 8 पॉइंट उन्हें बोला बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, ही कॉन्ग्रेचुलेट्स यू, अप्रिशिएट्स योर एफर्ट। सिर्फ एक दो जगह पर उन्होंने बोला कि इसमें थोड़ा और चर्चा करो, इसमें थोड़ा और बदलाव लाओ या फिर इंप्रूव करने की जगह है। तो हम क्या करते हैं, उस दो चीज को हम 8 जो चीज थे उसको निकाल देते हैं, फिल्टर कर चुके हैं, सिर्फ 2 को हम ले लेते हैं, उसको मैग्नीफाई करके हम सोचते हैं अरे ये तो बुरा हो गया, हमारा असाइनमेंट तो अच्छा नहीं था, सर ने इतना क्रिटिसाइज किया, हम ये देख ही नहीं रहे कि बाकी 8 चीज उन्होंने अच्छे तरीके से बोला है। तो ये क्या करेगा हमारे अंदर, या तो एंजाइटी पैदा करेगा, या डर पैदा कर देगा, या फिर गुस्सा भी पैदा कर सकते हैं कि सर ने ऐसा क्रिटिसाइज किया, ऐसे तरीके से हम इतना कोशिश किया, इतना मेहनत किया, हम ये नहीं देख रहे कि 8 चीज पर उन्होंने हमको अप्रिशिएशन भी दिया, उन्होंने प्रशंसा भी किया। आप समझ सकते हैं कैसे ये थॉट हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस पैदा कर रहे हैं। ओके, तो इसे कहते हैं फिल्टरिंग। फिर जो आता है उसे कहते हैं पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन जिसके अंदर आ गया है, मान लीजिए ये पोलराइजेशन अगर हमारे अंदर आ गए तो हम पूरी दुनिया को, खुद को भी या तो फिर सादा यह देखते हैं या फिर काला, इस बीच में कोई देयर इज नो मिडिल ग्राउंड, या तो इधर द वर्ल्ड इज ब्लैक और व्हाइट, इधर एवरीवन इज गुड और बैड। मान लीजिए मैं अगर पोलराइजेशन में आ गया तो
10:30 वर्कशॉप शुरू होना है. जो जो स्टूडेंट 10:30 के अंदर नहीं आए दे आर बैड, वो स्टूडेंट है ही नहीं, क्योंकि वो टाइम का वक्त का पाबंदी नहीं है. दे आर नॉट, आई एम नॉट एम्पथाइजिंग, आई एम नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि उनको भी थोड़ा मुश्किल आ सकते हैं, नेटवर्क का इशू हो सकता है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड. तो क्या हो गया, मेरे अंदर गुस्सा आ गया और मैं उन पर हावी हो गया कि तुम बहुत बुरे स्टूडेंट हो, तुम टाइम पे नहीं आते हो. अब मान लीजिए मैं खुद पर पोलराइजेशन अगर करूं तो मुझे 80% चाहिए था, मेरे को 79% मिला, बस मेरा जीवन खत्म. दैट मीन्स आई एम फिनिश्ड. मुझको तो 80% तो नहीं मिला, सो आई एम अ बैड स्टूडेंट. मेरे अंदर बहुत हताशा, बहुत सैडनेस पैदा हो गया और एंग्जाइटी पैदा होगी कि अब मेरा जीवन में क्या होगा. सिर्फ 1% की वजह से, जस्ट फॉर 1%, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन. अगले जो है वो है ओवर जनरलाइजेशन. अब देखिए ओवर जनरलाइजेशन मतलब क्या है, कि हम एक किसी का या फिर किसी कम्युनिटी का एक या दो चीज को हम उठाकर वो पूरा कम्युनिटी के ऊपर जनरलाइज कर देते हैं. मान लीजिए कोई एक लड़की हमको धोखा दिया तो सारे लड़कियां खराब है, ऐसा है, हो सकता है. या फिर कोई लड़का ने हमारे साथ बदतमीजी की तो सारे लड़के बदमाश है. एक टीचर हमारे साथ थोड़ा गुस्से से पैदा आ गया, थोड़ा गुस्से से पेश आए तो सारे टीचर मतलब ही गुस्से वाले हैं. ये बहुत सारे टाइम हो सकता है. तो अगले बार क्या होगा, कोई टीचर आएगा तो हमारे अंदर डर पैदा हो जाएगा, ऑटोमेटिक थॉट. वो मॉडल जो है ABCDEF, उसमें वो ए एक्टिवेटिंग इवेंट है, हम टीचर को देख के डर पैदा हो. या फिर कोई लड़की हमारे तरफ आ रहा है मतलब इनको अवॉइड करना है, या फिर इसको गलत, ये गलत कुछ काम के लिए आ रहा है. सो आई विल बिकम एंग्शियस या फिर एंग्री या फिर आई विल फील टेंस्ड. आपको समझ में आ रहा है कैसे नेगेटिव इमोशंस हमारा अंदर पैदा कर देता है ये सारे थॉट प्रोसेस. ओवर जनरलाइजेशन, वन और टू इवेंट्स और पीसेस ऑफ एविडेंस आर जनरलाइज्ड ओवर एन एंटायर ग्रुप विथ व्हाइल सच एविडेंसेस डू नॉट कैरेक्टराइज दैट ग्रुप. ऐसा नहीं है कि सारे लड़कियां खराब है, ऐसा नहीं है कि सारे सर सारे मैडम्स बुरे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे लड़कियां या फिर लड़के बदमाश है, लेकिन हम एक या दो एविडेंस के ऊपर पूरा कम्युनिटी को ओवर जनरलाइज करके उनके बारे में गलत तरीके से सोचते हैं, हमारे अंदर परसेप्चुअल एरर आ जाते हैं. अगले वाला जो है वो है माइंड रीडिंग. किसी से बात करने बिना करते भी हमको समझ में आ जाता है कि उनके अंदर क्या क्या चलते हैं, तो हम माइंड रीड करते हैं उनके अंदर क्या क्या थॉट्स फीलिंग्स चल रहा है, वो क्या क्या करने वाला है, हमको सब पता चल जाता है. ये सही होता है क्या? उनसे कहे बगैर, उनसे बात करे बगैर हम कैसे जान सकते हैं? कोई हमारे सामने आ रहा है, हम समझ में आ गया ये कोई गलत इरादे से हमारे तरफ आ रहा है, हमको माइंड रीड करके पता चल गया. जैसे मान लीजिए कि मैं 4 मंजिल, आज लिफ्ट खराब है मेरे घर में, मैं 4 मंजिल सीढ़ियां चढ़ के घर में आया हूँ और मेरे मम्मी हमें देख कर ही पता चल गया मेरा तबीयत खराब है, मुझे बुखार है, लेकिन वो ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि एक्चुअली मैं 4 मंजिल सीढ़ियां चढ़ के आया हूँ इसलिए मेरा पसीना छूट गया. सो दैट इज कॉल्ड माइंड रीडिंग. ओके, सो इमीडिएटली दैट पर्सन कैन बिकम टेंस्ड या फिर एंग्री और वट एवर. ओके नीरज सर, अगले स्लाइड पे आइए. हाँ, थैंक यू. अब आप देखिए और एक चीज है जिसको हम कहते हैं कैटेस्ट्रोफाइजेशन. कैटेस्ट्रोफी मींस कोई भयानक कांड, कोई मान लीजिए कैलामिटी आ गया, कोई आफत आ गया मेरे जीवन में. अब मान लीजिए 26 दिसंबर भारत में आपको याद होगा सुनामी आए थे
और बहुत सारे बहुत भयंकर तरीके से वो आए थे। लेकिन उसके बाद अब 16 बरस बीत गए, एक बार भी वो सुनामी नहीं आए। दैट वाज अ वेरी डिजास्टर, बहुत बड़ा डिजास्टर था वो। लेकिन उस एक दिन के इफेक्ट से अगर कोई आज 2020 में, फिलहाल तो छोड़िए कोरोना है, अगर कोरोना ना हो, मान लीजिए 2019 में 15 साल बाद भी कोई अगर बीच में जाना, या फिर आपको पता होगा पुरी या फिर जो गोवा जो भी सी बीच है वहां जाना उसको डर लगता है क्योंकि सुनामी आएगा, तो ये हो गया कैटास्ट्रोफाइजेशन। क्योंकि ये वो एक दिन के बलबूते पे इतने 15 साल का जो पॉजिटिव्स है वो हटा देते हैं। ही इज थिंकिंग, ही इज कैटास्ट्रोफाइजिंग कि अगर मैं सी बीच पे जाऊं तो अगर वो सुनामी आए, अगर मैं बच नहीं पाऊ, अगर मैं भाग नहीं पाऊ, सो व्हाट इफ यू सी दैट इज रिटन, वन एक्सपेक्ट्स डिजास्टर्स ऑन परसीविंग अ प्रॉब्लम, वन कैटास्ट्रोफाइजेस, और एक छोटा सा मोल हिल को बड़ा चढ़कर एक पर्वत बना देते हैं बाई व्हाट इफ थॉट प्रोसेस उनके अंदर शुरू हो जाते हैं। व्हाट इफ अगर मैं मर जाऊं, अगर सुनामी आ जाए, अगर मैं भाग नहीं पाऊं, इतने सारे व्हाट इफ थॉट्स उनके अंदर शुरू हो जाते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा इरेशनल और रैशनल क्या है। जैसे मान लीजिए मेरा एक नौकरी लग गया है बैंगलोर में, बहुत अच्छा नौकरी है, लेकिन मैं बैंगलोर क्यों जाने में डर लग रहा है, क्योंकि बैंगलोर में 2008 या 12 में एक बम विस्फोट हुआ था। तो मैं सोचता हूं अगर बम विस्फोट हो, अगर वो मेरे करीब हो, अगर मैं बम विस्फोट में मेरा इंजरी हो या फिर मर जाऊं, इसी चक्कर में मैं डर के मारे ये जॉब लेने में मैं घबरा रहा हूं। अब मान लीजिए मेरा जॉब लगा है अफगानिस्तान में, जहां पर हर दिन कोई ना कोई डिजास्टर होता है, कोई ना कोई बम विस्फोट होता है या फिर टेररिस्ट अटैक होता है। तो अगर मैं काबुल में ये जॉब लेने में डर लगता है, तो वो डर क्या इरेशनल है? ये दोनों सिचुएशन का, एक है बैंगलोर में जॉब है और काबुल में जॉब है, दोनों में मुझे डर लगता है। तो आप कोई पार्टिसिपेंट बोलेगा कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है? कोई बोलेगा? एनीवन अपना हाथ रेज कर लीजिए। कोई है? नीतू भूषण, आप बताइए। नीतू, हाँ बोलिए। यस सर। सर पहला जो है बैंगलोर में जॉब लेना, तो ये इरेशनल थॉट्स हुआ उसका, कि दैट इज एन इरेशनल थॉट्स कि हम बेवजह डर रहे हैं कि वहां कभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और हम फिर भी जाने में अभी डर रहे हैं। और जो काबुल का आपने एग्जांपल दिया वो है उसका रेशनल थॉट, क्योंकि वहां डेली बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं तो वो उसके लिए फियरफुल है। बहुत अच्छा, थैंक यू। तो पार्टिसिपेंट्स, आपको समझ में आ गया कि रैशनल और रैशनल में हमको पहले फर्क करना पड़ेगा, उनकी दोनों के बीच जो अंतर है उसको हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि काबुल में अगर जॉब आए तो हमको दूसरे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा कि हम वो जॉब दे कि ना ले, या फिर कहीं और उनको शिफ्ट अगर हम कर सकते हैं। और बेंगलोर में अगर जॉब आए तो हमको ये कैटास्ट्रोफाइजेशन जो है उसको हैंडल करना पड़ेगा। ये जॉब के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, हमारे अंदर जो थॉट प्रोसेस है उसको हमको हैंडल करना पड़ेगा, वो हम इसके बाद आएंगे। अगला वाला जो है आप देख लीजिए, ब्लेमिंग। ब्लेमिंग तो आपको पता है कि हम दोष देते हैं, लेकिन दोष बहुत सारे सिचुएशन होता है पे कि हम सही मायने में कोई गलतियां किए हो, तो उस सिचुएशन में दोष देना कोई गलत काम नहीं है। उस सिचुएशन में उनको दोषी ठहरा कर हम उनको हेल्प कर सकते हैं। जैसे पहले दिन हम बोला था कि डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हम नहीं करेंगे, उसको हम मदद करेंगे कि हम कैसे उसका वो दोष वो रेक्टिफाई कर सके, या फिर हमारे अंदर कोई हमसे कोई गलतियां हुए तो कैन ब्लेम माई सेल्फ एंड ट्राई टू रेक्टिफाई द मिस्टेक। लेकिन अगर सच में कोई गलती नहीं हो फिर भी हम
दोष दे रहे हैं फिर भी हम गुस्से में आ गया, या फिर हम गाली दे रहे हैं, या फिर उससे हम झगड़ा मोल गया, तो ये हो गया इरेशनल थॉट प्रोसेस। होल्डिंग ईदर अदर्स और ओन सेल्फ एज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन्स प्रॉब्लम्स एंड डिस्ट्रेसेस इरेशनली, तो ये बन गया ब्लेमिंग। ओके, इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, ये सारे चीज हम थोड़े बाद में आएंगे। अब आप देखिए सात नंबर जो है, फैलसीज ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल की मतलब है कि हम खुद कंट्रोल में लेते हैं अपना जीवन एंड हाउ टू एडजस्ट विथ माई सराउंडिंग्स, ये लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। अब ये लोकस ऑफ कंट्रोल लिया तो हमारे अंदर है थोड़ा हमारे बाहर एनवायरमेंट में है, क्योंकि एनवायरमेंट के सारे चीज हम कंट्रोल नहीं कर पाते। वी कैनॉट कंट्रोल एवरीथिंग इन द एनवायरमेंट एंड ऑल्सो वी कैनॉट कंट्रोल टोटली व्हाट इज गोइंग, आई मीन हाउ आई विल रिएक्ट टू दैट एनवायरमेंट। क्योंकि अगर हमारे अंदर गुस्सा आ गए तो आ सकते हैं, लेकिन आई कैनॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग। ओके, यही प्रॉब्लम हो जाता है। आप देखिए इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में, वन व्यूज लोकस ऑफ कंट्रोल टू बी विद इन वन सेल्फ विथ वन बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट अकर्स टू सेल्फ एंड अदर्स। आप बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आपने अपना जो लाइफ शेयर कर रहे थे, आपने बोले थे कि घर का काम सब मेरे मुझको ही करना पड़ेगा। दैट मीन्स लोकस ऑफ कंट्रोल आपके अंदर इतने बैठ गए कि आप सोच भी नहीं सकते कि घर का काम कोई और बांट लेंगे। ऐसा मान लीजिए कि बच्चों का देखभाल भी हमको करना पड़ेगा, खाना भी हमको पकाना पड़ेगा, घर का सफाई भी हमको करना पड़ेगा, सब इसी बीच हमको पढ़ाई भी करना पड़ेगा, सब हमको करना पड़ेगा। सो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग विद इन माई सेल्फ एंड आउटसाइड। वन व्यूज लोकस ऑफ कंट्रोल टू बी विद इन वन सेल्फ विद वन बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट अकर्स टू सेल्फ एंड अदर्स रेंजिंग फ्रॉम जॉय। उनकी खुशी भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उसको दूसरों को अगर ठेस पहुंचा हो, कोई दुख पैदा हो गया, तो उनके लिए भी मैं खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। अगर बच्चा अभी आप दो घंटे इसी आपके लैपटॉप के सामने या फिर मोबाइल के सामने इस सेशन पे बैठे हो, अगर आपका बच्चा रो रहा है तो उसके लिए भी आप खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे। दैट बिकम्स अ इरेशनल थॉट। हाउ कैन दैट बी, हाउ कैन यू बी रिस्पॉन्सिबल। अब मान लीजिए अब आप जो भी जिसका भी शादी हो गया, आप ससुराल में हैं, अगर इस बीच आपके मम्मी या पापा को कोई बुखार हुआ है तो आप खुद को दोषी ठहराते हो, क्योंकि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मदर्स फादर्स हेल्थ। ये तो हो नहीं सकता। सो दैट इज कॉल्ड इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। और एक्सटर्नल जो है ये उसका ऑपोजिट है। यहाँ पर एक कोई शख्स मान सकता है कि मैं क्या करूंगा, तो मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। ऐसा है क्या, कुछ भी नहीं है आपके हाथ में? वन व्यूज लोकस ऑफ कंट्रोल एज टोटली आउटसाइड ऑफ वन सेल्फ फीलिंग हेल्पलेस। मैं पूरा हेल्पलेस, मैं क्या करूंगा एग्जाम में, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में तो नहीं है। सर या मैडम जो प्रश्न क्या प्रश्न पूछेगा हमको कैसे पता है? एंड फुली कंट्रोल बाय वन सराउंडिंग्स। सो आई फील हेल्पलेस, आई फील सैड, आई फील फियरफुल। आप देखते हैं, देख रहे हैं कि कैसे इमोशंस हमारे अंदर ये सब पैदा करते हैं। नीरज सर अगले स्लाइड पे आइए। हाँ, थैंक यू। अब देखिए अगला वाला जो है, इसे कहते हैं पर्सनलाइजेशन। हम बहुत सब कुछ चीज पर्सनली ले लेते हैं इस थॉट प्रोसेस में। ऑल ऑफ अदर्स एक्शंस आर व्यूड एज डायरेक्टेड टू ओन सेल्फ विद कांस्टेंट कंपैरिजन विद अदर्स एज टू हु इज सुपीरियर, टेकिंग थिंग्स पर्सनली। मैं हर वक्त कंपैरिजन करता हूँ। अगर कोई मेरे तरह आ रहा है, वो अपने रास्ते में जा रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये वो जरूर उसके मन में कुछ है कि मुझे कोई हार्म पहुंचाए, कोई ठेस पहुंचाए, इसलिए वो आ रहा है। अगर वहां पर एक दो या तीन बंदे कुछ बात कर रहे हैं तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई हंस रहा है तो मुझको देखकर ही हंस रहा है। हर वक्त मैं ये सारे चीज पर्सनली ले लेता हूँ कि जो भी हो रहा है वो मुझको सेंटर करके हो रहा है। मैं क्लास में घुसा हूँ, कोई मेरा कोई
बैचमेट्स जो है वो हंस खेल रहे या फिर कुछ बातें कर रहे हैं और मुझे देखकर शायद चुप हो गया, लेकिन वो अपने बारे में बात कर रहा था। मुझे लग रहा है कि वो मेरे बारे में बात कर रहा था और मुझे देखकर वो चुप हो गया। सो आई विल ऑटोमेटिकली ईदर आई विल बिकम एंग्री विद देम और आई विल बिकम टेंस्ड अबाउट न जाने वो क्या बात कर रहे थे, न जाने वो क्या क्या सोच रहे थे मेरे बारे में, न जाने वो क्या क्या प्लान कर रहे हैं, क्या तरकीब रचा रहे मेरे खिलाफ, ये हम सोचते रहते हैं और कंपेयर करते हैं कि वो बेहतर है कि मैं बेहतर हूँ, उसके उसके पास ज्यादा नोट्स है कि मेरे पास ज्यादा नोट्स है, जरूर वो कुछ नोट्स छुपा रहे जो वो मुझको नहीं दे रहे। आई विल कॉन्स्टेंटली कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स एंड ट्राई टू बी सुपीरियर। ये ट्राइंग टू बी सुपीरियर करते करते ये सोचते सोचते हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, हमारे अंदर थकाव पैदा थकान से आ जाते हैं। आई फील टायर्ड, आई फील सैड, डिप्रेस्ड। ओके, अगला वाला जो है दैट इज कॉल्ड फैलेसी ऑफ फेयरनेस। वन फील्स रॉन्ग बाय द सोसाइटी व्हाइल द रियलिटी इज क्वाइट ऑपोजिट। मैं काम तो नहीं करता हूं और मुझे लगता है कि पूरा दुनिया जो है वो मेरे साथ अन्याय कर रहा है। मैं पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा हूं और जब मैं एग्जाम में गया हूं मैं देखता हूं प्रश्न बहुत कठिन आए हैं और मैं ये सोच में पड़ जाता हूं कि ये सर या मैडम तो सही नहीं किया, दिस इज नॉट राइट, इतना कठिन प्रश्न वो क्यों दिया। लेकिन मैं ये सोच नहीं रहा हूं कि मैं पढ़ाई ठीक से नहीं किया हूं, मैं कुछ काम मेरे ऊपर जो दिया गया था वो मैं ठीक तरीके से नहीं किया, लेकिन मैं अब जब दूसरों मेरे को मुझे बोल रहा है कि क्रिटिसाइज कर रहा है, मैं सोचता हूँ ये तो वो अन्याय कर रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, तो मेरे अंदर या तो फिर गुस्सा पैदा हो जाएगा या फिर घृणा आ जाएगी कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, बहुत बुरी तरीके से वो पेश आ रहा है। दैट इज फैलेसी ऑफ फेयरनेस। नेक्स्ट वन इज फैलेसी ऑफ चेंज। वन एक्सपेक्ट्स अदर्स टू चेंज to suit one's needs and urges them to do so, as if one's need fulfillment is dependent on them, while the reality may not be so at all. मतलब कि मेरा जो खुशी, मेरा जो happiness जो है, वो पूरी तरीके से दूसरों के ऊपर depend करता है, as if दूसरों के ऊपर depend करता है, ये एक गलत तरीका का सोच है। मेरा खुशी, मेरे जीवन में जो सुकून, मेरा हैप्पीनेस, माई रिलीफ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई सेल्फ नॉट ऑन अदर्स। तो मैं उनके ऊपर तो डिपेंड करता हूं, अगर वो मेरे साथ बात नहीं करता है दैट मीन्स आई एम नॉट हैप्पी। मैं ये नहीं देख रहा हूं कि अभी या वो बात करने की स्थिति में नहीं है, उनका हालत ऐसा नहीं है, लेकिन दे हैव टू टॉक टू मी, व्हाई आर दे टॉकिंग टू मी, वो क्यों हमारे साथ बात नहीं कर रहा है, वो क्यों हमको अटेंशन नहीं दे रहा है, वो क्यों हमारे साथ वक्त नहीं बिता रहा है। तो अगर वो हमारे साथ वक्त ना बिताए तो मेरा जीवन वृथा है, मेरा जीवन का कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि मेरे जीवन का रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे खुशी, इट डिपेंड्स ऑन माई नीड फुलफिलमेंट, माई नीड सेटिस्फेक्शन, माई गोल फुलफिलमेंट डिपेंड्स ऑन मी नॉट ऑन अदर्स। तो हम क्या करते हैं, ये गलत सोच में पढ़कर हम उनको चेंज करने की सोचते हैं, उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं कि तुम हमको अटेंशन दो, तुम हमारे साथ बात करो, तुम हमारे काम कर दो, और जब वो नहीं करता है तो उनके साथ झगड़ा हो जाता है या फिर गुस्सा आ जाता है, ऑल द नेगेटिव इमोशंस स्टार्ट हैपनिंग। अगले वाला जो है दैट इज कॉल्ड इमोशनल रीजनिंग। वन रीजंस विद इमोशंस एंड व्यूज व्हाट वन फील्स टू बी ट्रू। इफ वन फील्स बैड इन अ सिचुएशन देन इट श्योरली इज सो। मतलब कि इमोशन से हम रीजन करते हैं, रीजन तो थॉट प्रोसेस से आता है, रीजन फॉलोज लॉजिक, लेकिन इमोशन से अगर हम काम ले, जैसे मोहल्ला आप बोलते हैं ना, आप इमोशन से काम मत लो, आप सही तरीके से सोचो, लेकिन अगर इमोशन से हम काम लेते हैं, देख के हमको गुस्सा आ जाए तो हम उसके साथ गलत तरीके से पेश आते हैं, और जब वो हमारे साथ गलत तरीके से पेश आते हैं क्योंकि हम उनके साथ गलत तरीके से पेश आ रहे हैं, तो हम बोलते हैं देखो हमने बोला था ना वो आदमी ठीक नहीं है, वो हमारे साथ गलत तरीके से पेश आ रहा है, लेकिन हम ये देख नहीं रहे कि आई एम नॉट सीइंग दैट फर्स्ट आई एम बिहेविंग बैडली विद दैट पर्सन। आज हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये दिन ठीक नहीं है, मतलब ये दिन खराब ही जाएगा,
लेकिन हम ये सोच नहीं रहे कि हम थोड़ा इमोशनली डाउन है, इसका मतलब नहीं कि पूरा दिन खराब जाए, लेकिन पूरा दिन हमको लग रहा है कि पूरा दिन खराब जाए. सो आई डू द रीजनिंग बेस्ड ऑन माय इमोशंस. ओके नीरज सर अगले स्लाइड पे आइए. हाँ थैंक यू. अगला वाला जो है आप देखिए, यह है शुड्स. मतलब हमारे अंदर इतने रिजिड वैल्यूज है. देखिए वैल्यूज रहना अच्छा है, लेकिन सिचुएशन के ऊपर हमको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल. लेकिन यहाँ पर है कि शुड, हमारा वैल्यू है कि हर वक्त टाइम पे सब कुछ करना पड़ेगा, और जो बंदा ये नहीं करता है वो बंदा अच्छा आदमी नहीं है. तो जो जो स्टूडेंट्स आज 10:30 के अंदर लॉग इन नहीं किए हो, वो इमीडिएटली निकल जाओ क्लास से, क्योंकि हमारा शुड है कि एकदम रिजिड वैल्यू है कि टाइम यू हैव टू बी पंक्चुअल. पंक्चुअलिटी इज अ वैल्यू, मानते हैं पंक्चुअलिटी वैल्यू है, लेकिन इतना भी रिजिड ना हो कि दूसरों का जो कठिनाइयां है, दूसरा का जो परेशानियां है वो हम इग्नोर करते पूरी तरीके से. सो वन व्यूज सेल्फ एंड अदर्स थ्रू रिजिड रूल्स गाइडिंग राइट और रॉन्ग, गुड और बैड. सही है, सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये इतना रिजिड है कि हम उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करते, सिचुएशन को हम देखते नहीं. ओके तब जाके, और ये हम खुद से भी, खुद के ऊपर भी हम ये प्रयोग कर सकते हैं कि हम ठीक से ये कर नहीं पाए, हम ठीक तरीके से दूसरों को सेवा नहीं कर पाए, तो हम गलत है, मैं अच्छा आदमी नहीं हूं. So I become then very sad with myself. I become frustrated. I feel guilty. Okay, that is the problem with shoulds. और आप देखिए ये सारे जो thought process है ना, ये interconnected है. Shoulds अगर है तो polarization आ जाएगा. Okay, आपको समझ में आ रहा है? Polarization आ जाएगा कि क्योंकि हम सारे चीज तो ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, हम सारे चीज तो हम अच्छा या फिर ये अच्छा है या फिर बुरा है या सही है या फिर गलत है, इसी बीच में कोई देयर इज नो मिडिल ग्राउंड, देयर इज नो शेड ऑफ ग्रे, इधर इज ब्लैक और व्हाइट. ओके इसी चक्कर में हम देखते हैं. अगला जो है दैट इज कॉल्ड ग्लोबल लेबलिंग. ग्लोबल लेबलिंग मतलब वो जो ओवर जनरलाइजेशन हमने चर्चा की है, उसी के बलबूते पे हम जनरलाइज करते हैं वन और टू क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन और ग्रुप और उसको एक लेबल कर देते हैं. ऐसा मान लीजिए कि एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा जो चीज है मैं वहां पर था नहीं, तो मेरा जो नोट्स है पड़ा था टेबल पर और मेरा एक फ्रेंड आके वो नोट्स देख रहे थे. इमीडिएटली मैं समझ में आ गया कि ये मेरा नोट्स को चोरी करना चाहते थे, वो हड़प लेना चाहते थे, वो मतलब ये बंदा चोर है. मैं एक लेबल उनके ऊपर दे दूं. आप मान लीजिए कि आपका दोस्त आपको बताए बगैर उनको बहुत भूल लग गया था, आपका अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, आपको बताए बगैर थोड़ा आपका टिफिन खा लिया क्योंकि उसको भूख लग रहा था, वो बोला कि ठीक है वो आएगा तो हम बोल देंगे, बिना बगैर वो क्यों आपका टिफिन खाए, इसका मतलब है वो टिफिन चोर है. मतलब कि पूरा जिंदगी के लिए उसके ऊपर हम एक लेबल ठोक दिया. ठीक है, कोई एक बच्चा अगर एक दिन झूठ बोल ले तो वो पूरे जिंदगी के लिए एक लायर बन जाता है मेरे नजर. दैट इज कॉल्ड ग्लोबल लेबलिंग. कोई अगर एक टीचर हमारे हमसे थोड़ा गुस्से से पेश आए तो ऑल टीचर्स आर एंग्री पीपल, ये एक लेबल हम उसके ऊपर ठोक देते हैं. आपको समझ में आ रहा है ओवर जनरलाइजेशन और लेबलिंग कैसे होता है. बीइंग राइट, एक पार्टिसिपेंट ने बोला था कि मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं हर वक्त सोचता हूं कि मैं सही हूं. बीइंग राइट इज अ प्रॉब्लम ऑफ माइंड, सम किसी ने बोला था, मुझे नाम याद नहीं है, अगर याद है तो भी मैं नहीं लूंगा क्योंकि कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता हूँ, जो बोला था उसको पता चल जाएगा. तो वन मस्ट बी राइट एट ऑल टाइम्स, बी एट अदर्स कॉस्ट, बीइंग रॉन्ग इज जस्ट नॉट डन. हम हर वक्त सही हो, तो मैं क्या करूंगा कि मैं दूसरों के बात को सुनने की तो मैं कोशिश ही नहीं करूंगा कि मैं वो जो बोल रहा है वो सही नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है.
मैं जो बोलना चाहता हूँ, मैं तुमको जो बोल रहा हूँ वही तुम करो, क्योंकि आई एम ऑलवेज राइट। मैं तुमको सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ, कोई इच्छा भी नहीं है। सो आई एम नॉट गिविंग रेस्पेक्ट टू यू, यू कैन अंडरस्टैंड, मेरा कम्युनिकेशन पैटर्न बन गया एग्रेसिव। ओके, दिस इज कॉल्ड बीइंग राइट। और अंत में जो है दैट इज कॉल्ड हेवन्स रिवॉर्ड फैलेसी। इस जो ये थॉट प्रोसेस जिसके अंदर होता है वो सैक्रिफाइस करता ही जाता है, करता ही जाता है। आप में से बहुत सारे लोग आपने बोला है, पार्टिसिपेंट्स बोले हैं कि घर का काम, हम घर का काम हमको करना पड़ेगा, ये अच्छा है। ऐसा मान लीजिए, वो शख्स मानता है कि किसी ना किसी दिन हमको कोई रिवॉर्ड मिलेगा, किसी ना किसी दिन सबने, सब लोग हमारा यह एफर्ट, हमारा यह सैक्रिफाइस को स्वीकार, मान्यता देगा, स्वीकार कर लेगा। लेकिन ये है नहीं। अगर होगा तो वो आज ही करते, वो अभी भी करते कि यहाँ तुम जो कर रहे हो हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस। लेकिन जो करते नहीं है, जो ये करता नहीं है, जो ये रिकग्निशन नहीं देता हो, तो कभी नहीं देगा। लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किसी ना किसी दिन हमको ये रिवॉर्ड मिलेगा। वन एक्सपेक्ट्स वन्स सैक्रिफाइसेस टू बी रिवॉर्डेड समडे बाय हेवन एंड फील्स बैड व्हेन सच रिवॉर्ड डजंट कम। अंदर ही अंदर वो दुखी हो जाते हैं, अंदर ही अंदर उनके अंदर सैडनेस पैदा हो जाते हैं। तो ये सारे थे 15 जो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स। अब हम बहुत सारे चीज बोल दिए है। किसी पार्टिसिपेंट का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीज हमने आपको बताए। वाज आई ऑडिबल? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई पार्टिसिपेंट है जो कोई प्रश्न, कोई क्लैरिफिकेशन किसी जगह पे आपको समझ में नहीं आ पाए? कोई प्रश्न है अपना हाथ रेज करें, कोई पार्टिसिपेंट्स जो अभी तक कुछ समझ नहीं पाए हो या जिनको लगा हो कि कुछ डाउट्स है, तो आप हाथ रेज कर सकती हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकती हैं या सकते हैं। कोई भी ऐसे हैं? नो सर, कोई नहीं, कोई सवाल नहीं है। नहीं, या तो ये पार्टिसिपेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है या फिर ये पूरा बोरिंग हो गया उसको अच्छा ही नहीं लग रहा है, वो मन ही दे रहे हैं, या फिर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। तो हम या क्योंकि आज आखिरी दिन है, थोड़ा हम जल्दबाजी कर रहे हैं, वरना आपसे फीडबैक लेते हम, तो हम चले जाएंगे हैंडलिंग कर, क्योंकि अगर ये हैंडलिंग आपने सीखा नहीं तो आप ये इन सारे इरेशनल जो थॉट प्रोसेस है आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस पैदा करता ही रहेगा। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे। नीरज सर, आप अगले स्लाइड पे आइए कि हैंडल कैसे करें इन सब, ये नहीं, हाँ इससे आगे आइए, इससे आगे। ये इंडिविजुअल एक्सरसाइज था जो हम कर नहीं पा रहे हैं अभी। अच्छा, ये हैंडलिंग आ गया, एक मिनट। यही सर स्लाइड की आगे वाला, इससे आगे वाला नहीं, यही। थैंक यू, फोकस। तो पार्टिसिपेंट्स, अब आप देखिए फिल्टरिंग, याद है हम पहला बोला था फिल्टरिंग, और हम बोले थे कि नेगेटिव्स को हम उठाकर फिल्टर करके उसको मैग्नीफाई कर देते हैं। तो पहले तो हमको डीमैग्निफिकेशन करना पड़ेगा फिल्टरिंग, हमको डीमैग्निफाई करना पड़ेगा कि स्टॉप मैग्नीफाइंग नेगेटिव्स, डोंट यूज एक्सट्रीम वर्ड्स लाइक ऑफुल, टेरिबल, अरे बाप रे मैं ये सोच भी नहीं सकता, भयंकर कांड हो गया, सर ने ऐसा भयानक फीडबैक दिया हमको, दो चीज पर उन्होंने मुझे बोला था कि थोड़ा इम्प्रूव करो, ऐसा भयानक फीडबैक। आप देख सकते हैं 8 जो पॉजिटिव्स थे वो फिल्टर्ड आउट हो गया, ठीक है। दस द नेगेटिव्स आर ब्रॉट टू द रियलिस्टिक लेवल, ऐसा भयानक भी नहीं है, डीमैग्निफाई करो। फिर शिफ्ट ऑफ फोकस, फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव्स के ऊपर। हाँ, 8 चीज तो उन्होंने अच्छा बोला है, अच्छा हाँ 8 चीज तो है, he has appreciated me, so it's not that bad, इतना भी भयानक नहीं है, इतना भी बुरा हमारा असाइनमेंट नहीं था। नेक्स्ट, फोकस ऑन कोपिंग स्ट्रेटजीज टू हैंडल द प्रॉब्लम्स व्हाइल फोकसिंग ऑन पॉजिटिव्स टू, ताकि हमारे सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगा, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी पैदा हो गया था, जो नेगेटिव
थॉट्स से जो नेगेटिव इमोशंस पैदा हो गया था, नेगेटिव फीलिंग्स आ गए थे कि टेंशन में हम पड़ गए थे या फिर हमको गुस्सा आ गया था या फिर सैडनेस आ गया था, वो थोड़ा कम हो जाए क्योंकि हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ जाए। दूसरा जो है फैलेसी ऑफ फेयरनेस, आप देखिए प्रेफरेंस वर्सेस फेयरनेस। जब हम दूसरे के ऊपर एक्सपेक्टेशन करते हैं, अपनी इच्छाएं अपने मन में, अपनी इच्छाएं अपनी अपेक्षाएं जब हम दूसरे के ऊपर थोप देते हैं, अगर वो अनरियलिस्टिक हो तो वो दूसरों तो वो उसका सही तरीके से वो मायना नहीं देगा, वो इंपॉर्टेंस नहीं देगा, तब हम सोचते हैं कि ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमको सोचना पड़ेगा यह अन्याय है या फिर मेरा यह प्रेफरेंस था, मेरा इच्छा था, ये मेरा अपेक्षा था दूसरों से, मेरा एक्सपेक्टेशन था जो किसी दूसरा का, दे आर नॉट बाउंड, वो बाउंड नहीं है कि हमारे सारे इच्छाएं अपेक्षाएं पूरी करे, और ऐसा भी हो सकते हैं वो करने की लायक भी ना हो या फिर करने की अभी उनका स्थिति भी ना हो। सो आप देखिए एक्सेप्ट लॉज जो हमारे इंडिया में जो आईन व्यवस्था जो है वो, उसको छोड़ के फेयरनेस इज वेरी रिलेटिव, जो आपके लिए सही लग रहा है वो दूसरे के लिए सही ना भी हो सके। हम मान लीजिए स्वतंत्रता सेनानी जो थे, फ्रीडम फाइटर्स जो थे, हमारे लिए वो स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन ब्रिटिश लोग के लिए वो टेररिस्ट थे। अब मान लीजिए हमारे लिए जो टेररिस्ट है वो बहुत सारे लोग के लिए वो हीरो है। मान लीजिए हम ओसामा बिन लादेन को टेररिस्ट मानते हैं लेकिन बहुत सारे लोग उनको हीरो मानते हैं। डिपेंड्स ऑन फेयरनेस क्या है, वो बहुत रिलेटिव है। सो फेयरनेस इज अ रिलेटिव टर्म होल्डिंग डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल। बेटर टू व्यू वन्स नीड्स एज प्रेफरेंसेस देन टर्म देम एज फेयरनेस एंड इम्पोज देम ऑन अदर्स। मेरा जो प्रेफरेंस है मैं वो दूसरे को थोप नहीं दूंगा, वो मेरा प्रेफरेंस है, मैं चाहता हूं कि तुम ये करो, वो करने की उसका कोई बाध्यता नहीं है, उसका कोई दे आर नॉट बाउंड, दे आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू फुलफिल दैट प्रेफरेंस ऑफ माइंड। अगर मैं ये सोचने पड़ जाऊं कि ये फेयर नहीं है तो ये मेरा सोचने की गलत तरीका है। सो आई हैव टू बी केयरफुल कि ये फेयरनेस नहीं है, मेरा प्रेफरेंस था, देन आई विल ट्राई टू सी वेदर इट इज रियलिस्टिक और नॉट। ओके नीरज सर अगले स्लाइड पे आइए। हाँ थैंक यू। पोलराइजेशन जो है, हम ब्लैक एंड व्हाइट जजमेंट में नहीं जाएंगे। यूजुअली पीपल आर नॉट ईदर हैप्पी, और ऐसा नहीं है कि एक कोई शख्स हो कि हर वक्त हैप्पी रहेगा या हर वक्त सैड रहेगा या फिर हर वक्त वो सही रहेगा या फिर हर वक्त वो गलत काम करता रहेगा, ऐसा नहीं है। हम सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, खुशी भी होता है, दुखी भी होता है, एटसेट्रा। वी फॉल समवेयर इन द कंटिन्यूअम एंड आर टू कॉम्प्लेक्स टू बी रिड्यूस टू डायकोटोमीज। ऐसा नहीं है कि या फिर ये है या फिर गलत है या फिर सही है या फिर अच्छा है कि या फिर बुरा है। हमारे अंदर अच्छाइयां भी है बुराइयां भी है, तो हम सिर्फ बुराइयां देख के किसी के ऊपर पूरा ग्लोबल लेबलिंग नहीं करने की, यह बुरा आदमी है इसको इसके साथ नाता तोड़ दो सारे जीवन के लिए। हमारा फ्रेंड है, एक दिन वो हमारे कुछ काम जो हमने बोला था वो नहीं किया तो ये फ्रेंडशिप खत्म, ये रिश्ता खत्म, ऐसा नहीं है। वी हैव टू थिंक इन परसेंटेजेस। इट इज बेटर टू थिंक लाइक ओके आई एम 60% स्मार्ट 40% स्टूपिड। थोड़ा स्मार्ट है थोड़ा स्टूपिड है वो 80% वो शख्स अच्छा है, 20% कभी कभी वो गलतियां भी करता है या फिर कभी कभी वो थोड़ा गलत तरीके से पेश आता है, तो वो हम क्या करेंगे, वो 20% को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, 80% के ऊपर फोकस करेंगे। दस पॉजिटिव्स आर नॉट इग्नोर्ड एंड नेगेटिव्स आर नॉट ओवर फोकस्ड। सो ये फिल्टरिंग के ऊपर भी चला गया कि हम नेगेटिव्स पॉजिटिव्स को फिल्टर आउट करके सिर्फ नेगेटिव्स के ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे, शिफ्ट ऑफ फोकस रखेंगे। ओके समझ में आ रहा है, ताकि हमारे अंदर जो उसके ऊपर जो गुस्सा होता हो रहा था वो कम हो जाएगा, उसके ऊपर जो हम खराब लगने लगे थे वो थोड़ा कम हो जाएगा। नीरज सर अगले स्लाइड पे आइए।
थैंक यू. फैलेसीज ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल. तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जो थे कि हमने बोला था कि मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ सारे काम के लिए, ये तो हो नहीं सकता. जैसे हम पिछले कई दिनों से हम बोल रहे हैं कि घर का काम अगर हम किसी दूसरों के साथ बांट ले, वो अगर मेरा काम थोड़ा बांट ले कि थोड़ा तुम भी हमारा काम कर दो ताकि हम थोड़ा पढ़ाई के लिए वक्त भी निकाल सके. अभी हम मीटिंग में बैठे हैं, ये फिर हमारा जो जूम सेशन चल रहा है, तो इसी बीच अगर कोई काम हो तो बाकी के जो फैमिली वाले हैं वो अगर करते. अगर मैं, सो वी हैव टू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. वन इज नॉट ऑमनीपोर्टेंट. ऑमनीपोर्टेंट के मतलब है कि मैं सारे के जो सिचुएशन हो रहा है वो मेरे कंट्रोल में है. ऐसा नहीं है, सारी सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं. आप भगवान नहीं हो. भगवान के हाथ में सब सारी चीज कंट्रोल में होता है, लेकिन आपके अंदर नहीं हो. एंड कान बी इन चार्ज ऑफ अदर्स एट ऑल टाइम्स. ऑल्सो इट्स रेस्पेक्टफुल टू अलाउ अदर्स टू बी इन चार्ज ऑफ देयर लाइव्स एंड लिव इट देयर वे. ये हम एक तरीके से रेस्पेक्ट भी है उनके ऊपर कि हम डोमिनेट नहीं करेंगे, कि उनका सारे काम हम कर देंगे. वो एक बच्चा, अगर बच्चा भी हो लेकिन उनका सारे काम, उसको खिला भी देंगे, उसका पढ़ाई भी कर देंगे, उसको सुला भी देंगे, सब कुछ. अरे उसको भी अपने तरीके से जीने दो, उसको भी अपने तरीके से बड़ा होने दो. ओके, सो वील गिव रेस्पेक्ट टू द अदर पर्सन. ओके, और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो उल्टा है. यहाँ पर इंटरनल में थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को दे दे, यहाँ पर है कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ले, क्योंकि हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहे. हम क्या करेंगे, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है. आपके हाथ में है, आपके हाथ में है अपना जीवन का कंट्रोल लेना. आप कैसे पेश आएंगे दूसरों के साथ, आप कैसे अपने गोल्स को फुलफिल करेंगे, आप कैसे अपने गोल्स को सेट करेंगे और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, आप कैसे अपने काम को करेंगे, ये सब आपके हाथ में है. एक्सेप्ट फॉर एक्सीडेंट्स एंड डिजास्टर्स, जो आपके हाथ में नहीं है. वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन्स लाइफ चॉइसेस. सो बेटर टू आस्क व्हाट एल्स वन कैन डू टू चेंज वन्स लाइफ. मैं क्या और क्या कर सकता हूँ मेरा जीवन को बदलने, क्योंकि मैं तो दुखी हूं कि मेरे हाथ में तो है कुछ नहीं. ऐसा नहीं है. ओके, अगला जो है वो है फैलेसी ऑफ चेंज. फैलेसी ऑफ चेंज मतलब क्या है कि मैं तो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि उनको चेंज करके मेरे खुशियां बढ़ाऊं, उनको चेंज करके मेरा जो गोल्स है उसको पूरा करूं. नहीं, मेरा खुशियां, मेरा गोल्स मैं पूरा करूं. आई मेक इट हैपन. बेटर नॉट टू पुश अदर्स टू चेंज टू सूट वन्स नीड्स विद द आइडिया दैट वन इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स. रादर सेटिस्फाई वन्स ओन नीड्स वन सेल्फ. खुद का नीड्स खुद पूरा करो. ऑल्सो अदर्स डोंट लाइक टू बी पुश्ड टू चेंज एंड रिग्रेट इट ऑन डूइंग सो. अगर आप उनको चेंज भी कर लिए, उनको बदल भी लिए कि आपका जो गोल्स है, आपका जो इच्छाएं है वो पूरा करे, वो अंदर ही अंदर मन ही मन में वो खुश होकर नहीं करेगा. वो मन ही मन में थोड़ा गुस्सा भी कर सकता है या फिर दुखी भी हो सकता है, क्योंकि ये जबरदस्ती उनको करना पड़ता है. समझ में आ गया? ओके, सो हम अगले स्लाइड पे जाएंगे. नीरज सर, हाँ, ब्लेमिंग. अब देखिए, ब्लेमिंग फॉर अदर्स, अगर हम गलत तरीके से उनको ब्लेम करें, मतलब कि उसके उसमें उसका भी इतना हाथ नहीं था, शायद मेरे भी कुछ कंट्रीब्यूशन था उस गलती में, तो मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा. अदर्स कैन बी ब्लेम फॉर वन्स ओन मिस्टेक्स. मेरे गलतियां मैं दूसरे के ऊपर थोप नहीं दूंगा कि मेरे गलती के कारण दूसरे है, दूसरे लोग है, तो मैं खुद उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा. बेटर टू फोकस ऑन ओन फॉल्ट्स. मेरे मुझमें क्या कमियां हैं वो मैं फोकस करूंगा, ताकि ये गलती रिपीट ना हो, ये गलती दोबारा ना हो, और आई ट्राई टू रेक्टिफाई देम रादर देन जस्टिफाई देम. और फॉर सेल्फ ब्लेमिंग्स, मैं जब ज्यादा की ज्यादा मैं खुद को ब्लेम करता हूं, तो मैं ये भी देखूंगा कि दूसरों जो है, मान लीजिए कि एक ग्रुप में हम काम कर रहे थे, वो ग्रुप थोड़ा फेल कर गया, ग्रुप का थोड़ा रिजल्ट्स अच्छा नहीं आए, तो मैं पूरा ब्लेम मुझ पर नहीं लूंगा. अदर्स का जो गलतियां है वो भी हम नजर, उसको भी हम चर्चा करेंगे. बीइंग रिस्पॉन्सिबल इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लेमिंग सेल्फ फुली फॉर थिंग्स इन्वॉल्विंग अदर्स
हु टू नीड टू बी अकाउंटेबल, उसको भी मानना पड़ेगा कि उन्होंने भी गलतियां की है. सेल्फ ब्लेमिंग इज ग्रैंडियोसिटी टू. ये सेल्फ ब्लेमिंग जो है ये एक तरीका से थोड़ा खुद को बड़ा चढ़ा कर देखने की कोशिश भी है कि हाँ मैं ही गलत, एज इफ आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं इतना बड़ा हूं कि अगर अच्छा हो तो मेरे कारण ही हो रहा है, वहां पर दूसरा का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, और बुरा होकर हो तो हाँ मेरे कारण ही हो रहा है, एज इफ आई एम, मैं ही सब कुछ हूँ, दूसरा जो है ग्रुप में वो कुछ भी नहीं. एक तरीके से ग्रैंडियोसिटी टू है, एज इफ वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स गोल्स एंड बैड्स, अदर्स गोल्स एंड नेगेटिव्स. ठीक है, अगला वाला जो है इमोशनल रीजनिंग. ये हमको मानना पड़ेगा कि बहुत सारे टाइप इमोशंस या फीलिंग्स गलत भी हो सकते हैं. फीलिंग्स आर बेस्ड ऑन थॉट्स. अगर थॉट डिस्टॉर्टेड है तो ऑटोमेटिकली फीलिंग भी डिस्टॉर्टेड होगा. अगर थॉट गलत है, इरेशनल है, तो फीलिंग भी इरेशनल होगा. विल लीड टू फीलिंग्स बी अनड्यू. फॉर दिस वन नीड्स टू मॉनिटर वन्स थॉट्स एंड द रिलेटेड फीलिंग्स. जो हम अभी कर रहे हैं, हम थॉट्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम हमारे अंदर जो थॉट्स पैदा होते हैं कैसे उन पर हम काबू पा सके, उनको हम कैसे मॉनिटर करें. नीरज सर अगले स्लाइड पे आइए. यस थैंक यू. शुड्स, फ्लेक्सिबल रूल्स एंड वैल्यूज. रूल जैसे हमने बोल रहा था, रूल्स और वैल्यूज को हमको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा. वैल्यूज हमारे लिए है, हम वैल्यूज के लिए नहीं है. वैल्यूज पैदा हो गया, रूल्स पैदा हो गया हमारे जीवन को आसान करने के लिए. अगर उनको मानते मानते हमारे जीवन ही मुश्किल में पड़ जाए तो ये सही नहीं है. दीज आर टू बी एट आर डिस्पोजल, वी नीड नॉट बी देयर स्लेव्स. ओके, हमको वैल्यूज थोड़ा टेम्पररीली विदहोल्ड करके जो और भी बड़ा जो वैल्यू है इसको हम ज्यादा मायने देंगे. अब मान लीजिए एक शख्स जो है वो कभी ब्राइब नहीं लेते हैं, वो ब्राइब आपको समझ में आता है, ब्राइब वो नहीं लेते हैं, लेकिन वो एक ऑफिस में काम करता है, वहां पर अगर वो ब्राइब ना ले तो उसको वो नौकरी से निकाल दिया जाएगा और ऐसे नौकरी उनको नहीं मिलेगा. तब जाके वो सोच रहा है कि अगर हम ब्राइब ना ले, क्योंकि ब्राइब लेना उसके लिए उसके ऑनेस्टी के खिलाफ जाते हैं, उसका ऑनेस्टी जो है उसके खिलाफ जाते हैं, बिकॉज ऑनेस्टी इज अ वैल्यू फॉर दैट पर्सन. अगर वो ना ले तो और भी एक बड़ा जो वैल्यू है कि उनके ऊपर उनका पूरा फैमिली डिपेंड करता है, अगर वो नौकरी से निकल दिया जाए, उनके हाथ पे कोई काम नहीं रहेगा, तो अपने फैमिली को खिलाएगा पिलाएगा क्या. ये सोचकर वो ऑनेस्टी का वैल्यू टेम्पोरली वो विथहोल्ड करेगा. ऐसा नहीं है कि उसको रखते हुए वो पूरा नौकरी से निकल गए, तब वो खिलाएगा और पिलाएगा क्या, ठीक है, अपने फैमिली को. तो बड़ा जो वैल्यू है उसको ध्यान में रखते हुए टेम्पररीली ये जो वैल्यू है उसको वो विथहोल्ड करेगा. दैट इज हाउ वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन आवर वैल्यूज एंड रूल्स. ठीक है, अगला जो है ग्लोबल लेबलिंग. ग्लोबल लेबलिंग की मतलब हम तो लेबल थोप दिए थे, बट वील बी स्पेसिफिक कि हाँ एक बार अगर वो मेरा नोट्स ले लेते हैं इसका मतलब ये नहीं है पूरा जिंदगी के लिए वो बुरा हो गया. इस एक्शन वो गलत थे, या फिर हमको ना बोलते हुए अगर वो मेरा टिफिन खा गए तो हो सकता है वो गलत है. मैं इस बारे में उनके साथ चर्चा करूंगा कि तुम्हारा ये एक्शन गलत हो. अगर एक बार वो हमसे झूठ बोल ले, या मतलब कि नहीं वो पूरी जिंदगी के लिए वो झूठी है, हम इस एक्शन के लिए इस बार इस इवेंट के लिए हम चर्चा करेंगे कि इस इवेंट में तुम हमसे झूठ बोला था, ये मत करो दोबारा. सो ग्लोबल लेबलिंग्स आर फॉल्स एज दे आर बेस्ड ऑन वन आर टू एविडेंसेस व्हिच आर देन जनरलाइज्ड एज रिफ्लेक्टिंग एंटायर एंटिटी. बेटर टू फोकस ऑन दैट एविडेंस एज अ स्पेसिफिक केस एंड चेक वेदर इट इज एन आइसोलेटेड केस और अ परमानेंट. अगर वो बार बार ये करता रहता है तो ये हमारा इरेशनल थॉट नहीं है, ये हमको सोचना पड़ेगा कि इसके इस शख्स के साथ हम कैसे पेश आएंगे अगर ये बार बार करता रहता है. अगर ये एक या दो बार हुआ है तो हम उसके बारे में उसके साथ चर्चा भी कर सकते हैं. ओके, नीरज सर अगले स्लाइड पे आइए. हाँ थैंक यू. बीइंग राइट, जैसे हमने बोला था कि हम तो यहां पर सुनता ही नहीं है, हमको
हैंडलिंग कैसे करना पड़ेगा, एक्टिव लिसनिंग। आपको याद होगा कि असर्टिवनेस में, असर्टिवनेस ने हमने बोला था कि पहले उन दूसरों की बात सुनिए वो क्या कहना चाहते हैं। वन कांट बी राइट ऑलवेज, हम हर वक्त सही नहीं हो सकते। वन ट्राइज टू एस्टेब्लिश दैट, ये अगर हम खड़ा करना चाहते हैं कि हम हर वक्त सही है, दैट मीन्स हम दूसरों की बात सुन नहीं रहे। हमको पहले उस दूसरों की बात सुनना पड़ेगा। वन नीड्स टू लिसन एक्टिवली, वैलिडेट करना पड़ेगा कि हाँ उनका भी ओपिनियन उनके लिए सही हो सकता है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, सही है गलत ही है, तो हम बात करते करते चर्चा करते करते हम तय करें। लेकिन फिलहाल उनके लिए उनका जो ओपिनियंस है वो इम्पोर्टेंट है, उनके लिए वो मायना रखते हैं। और एज इम्पोर्टेंट टू देम एज इज वंस, वो इतना भी इम्पोर्टेंट है जो मेरा ओपिनियन मेरे लिए है। सो एक्सेप्टिंग दैट एट टाइम्स अदर्स कैन बी राइट एंड वन कैन बी रॉन्ग टू इज हाउ वी हैव टू हैंडल। कि हाँ कुछ कुछ वक्त ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर दूसरे जो शख्स है और लोग भी सही है और हम भी गलत हो सकते हैं। ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये हमको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। ओके, बीइंग राइट। अगला वाला जो है हेवेंस रिवॉर्ड फैलेसी, हमको ये पर मानना पड़ेगा कि कोई ऐसा रिवॉर्ड नहीं है कि हम काम करते जाए और किसी ना किसी दिन स्वर्ग से कोई रिवॉर्ड आएगा। स्वर्ग अगर हो, जन्नत अगर हो, तो ऊपर नहीं है, वो यहाँ है, अपने बीच में है, आपके घर में है, आपके कॉलेज में है। अगर जिसके लिए आप इतना सैक्रिफाइस कर रहे हो अगर वो सही है तो उसका रिवॉर्ड आपको इसी वक्त अभी भी मिल जाएगा। इट इज हियर एंड नाउ, नॉट नोवेयर एल्स। ओके, तो अगर जो मैंने बोला था ना पिछले दिन, पीपल हु माइंड डोंट मैटर एंड पीपल हु मैटर दे डोंट माइंड, दे विल एक्सेप्ट, दे विल वैलिडेट योर सैक्रिफाइस। वन नीड्स टू स्टॉप सैक्रिफाइसिंग इफ इट ड्रेन्स वन सेल्फ। अगर सैक्रिफाइस करते करते हम अंदर ही अंदर, हमारे अंदर हम खोते जा रहे हैं to the point that the purpose of the sacrifice itself gets defeated. ये sacrifice करने की वजह जो था वही, उसका कोई मायना नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ये sacrifice का क्या फायदा। No reward from heaven is there, rather it is now and here, else it will be nowhere. Now आप देखिए, now और here में अगर वो जो hyphen जो है आप अगर निकाल दे तो nowhere बन जाता है। It is now and here, ना कि nowhere. One would not like others to do her or him favors with similar distress as brought by this destruction. हम भी नहीं चाहेंगे कि दूसरों भी हमारे साथ हमारे लिए इतना सैक्रिफाइस करे जैसे हम कर रहे हैं, क्योंकि करते करते हम अगर अंदर ही अंदर हम खो रहे हैं, खुद को भी हम खो रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तब ये सैक्रिफाइस हमको सोचना पड़ेगा कि हम करते जाएंगे कि नहीं। ओके, क्योंकि ये अंदर ही अंदर हमारे अंदर सैडनेस पैदा कर देगा, डिप्रेशन आ सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन आ सकते हैं, और आई विल स्लोली स्टार्ट फीलिंग स्ट्रेस्ड एंड आई विल फॉल इल। ओके नीरज सर, अगले स्लाइड पे आइए। हाँ, थैंक यू। अगला जो स्लाइड है आप देखिए, चार डिस्टॉर्शंस अभी बाकी है, ओवर जनरलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन, माइंड रीडिंग एंड कैटास्ट्रोफाइजेशन। इन चारों डिस्टॉर्शन के लिए एक तकनीक है जिसे हम कहते हैं ट्रिपल कलम टेक्निक। ओके, ट्रिपल कलम के मतलब है तीन कलम। आप देखिए यहाँ पर दिया है कि ओवर जनरलाइजेशन में हम एक और दो इवेंट्स को हम ले लेते हैं, एक या दो इवेंट्स के बेस करके हम कोई कंक्लूजन में आते हैं कि ये ग्लोबल लेवलिंग में इसमें आ जाएगा। एक या दो एविडेंस के ऊपर बलबूते पे हम एक कंक्लूजन में आता है कि सारे मर्द खराब है, या फिर सारे औरतें बुरा है, या फिर सारे टीचर्स लोग जो है वो गुस्से वाले है, या फिर सारे स्टूडेंट्स जो है वो बदमाश है। एक या दो इवेंट्स के ऊपर, एक या दो केस के ऊपर तो हम देखना पड़ेगा ये जो एविडेंस हम कंक्लूजन की एविडेंस जो है ये कितने एविडेंस है। फर्स्ट कॉलम में देखिए एविडेंस फॉर योर कंक्लूजन, मेरा कंक्लूजन है कि सारे स्टूडेंट्स बदमाश है, कितने एविडेंस है, एक या दो।
क्लास में कितना स्टूडेंट्स है, 80 मान लीजिए, तो एविडेंस अगेंस्ट योर कंक्लूजन दो स्टूडेंट्स बदमाश है, बाकी 78 स्टूडेंट्स बदमाश नहीं है, एविडेंस अगेंस्ट योर कंक्लूजन जाता है। तब जाके अगर हो सके हम ऑल्टरनेट कोई कंक्लूजन लेंगे, नहीं सारे स्टूडेंट्स बदमाश नहीं है। अब देखिए कैटास्ट्रोफाइजेशन में सुनामी एक दिन आए थे, एक साल में कितने दिन रहते हैं, 365, ठीक है, 15 साल में कितना दिन होता है, 15 × 365, ठीक है, 15 × 365 दिन इज अगेंस्ट माय कंक्लूजन। एविडेंस फॉर माय कंक्लूजन इज वन डे की सी बीच इज अ वेरी डेंजरस प्लेस, सुनामी आ सकता है। एविडेंस अगेंस्ट माय कंक्लूजन इज 365 × 15, 15 × 365। सो आई हैव टू मेक एन ऑल्टरनेट कंक्लूजन कि नहीं सी बीच उतना भी डेंजरस, उतना भी रिस्की नहीं है, ठीक है, तब जाके हमारे अंदर जो डर है सी बीच के बारे में, हमारा जो एंग्जाइटी है वो निकल जाए। और बहुत सारे टाइम ऐसा भी हो सकता है कि दूसरों के साथ हम झगड़ा भी मोल देते हैं क्योंकि वो जाना चाहते हैं, घर वाले जाना चाहते हैं सी बीच, हम नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, इसी बीच दूसरों के साथ झगड़ा भी हो क्योंकि वो बोलेगा ये कोई सोचने का तरीका है क्या, ये कोई पॉइंट भी है क्या, किसी कब जाके एक सुनामी आया था अब तुम डर रहे हो, ठीक है, घर वाले के साथ झगड़ा हो गया, गुस्सा हो गया, कभी भी वो बोले अरे 15 साल में हम सी बीच नहीं गए, तुम हर वक्त से पर्वत ही पर्वत पे जा रहे हो, हिमालय में जा रहे हो, ठीक है, या फिर जंगल में जा रहे हो, एक बार तो चलो सी बीच। तो वी हैव टू टेक एन अल्टरनेट कंक्लूजन। पर्सनलाइजेशन, कितने बार ऐसा हुआ है कि बाकी के जो लोग है वो मेरे खिलाफ चक्कर चला रहे, एक या दो बार अगर हो भी गया, मतलब ये ऐसा नहीं है कि बाकी जितना भी इंटरेक्शन आपके साथ, एक दिन में कितने इंटरेक्शन होते हैं दूसरों के साथ, मान लीजिए 10 या 15 तो होते ही है दूसरों के साथ, जब आप बाहर निकलते हैं, अभी तो कोरोना के लिए हम घर में हैं, तो 15 goes against my conclusion, 1 or 2 is for my conclusion, so I have to take an alternate conclusion. Okay, mind reading, I have to check my ideas by triple column technique, कि जो हम सोच रहे हैं ये इसके लिए एविडेंस है कि नहीं, ज्यादा की ज्यादा होता है कि एविडेंस खिलाफ जाता है, एविडेंस अगेंस्ट माई कंक्लूजन जाता है, तब जाके हमको ऑल्टरनेट कंक्लूजन देना पड़ता है। ओके, सो दीज वर द वेज विच वी कैन हैंडल आवर डिस्टॉर्टेड थॉट पैटर्न्स, हैंडल आवर इरेशनल थॉट्स। ओके, जा सर मैं ऑडिबल था जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, सो आप पार्टिसिपेंट से थोड़ा फीडबैक लीजिए कि कोई प्रश्न है, कोई कोई अगर डाउट्स है तो आप ले लीजिए। सभी पार्टिसिपेंट्स ध्यान दीजिए, जैसा कि सर ने कहा कि आपको आज के सेशन से रिलेटेड कोई डाउट्स है या फिर कोई कंफ्यूजन है तो आप हाथ रेज करके क्वेश्चन अराइज कर सकती हैं। एनीबॉडी, आप हाथ रेज करें, कुछ शेयर करना हो, कुछ बताना हो या कुछ क्वेश्चन आंसर करना हो, आप हाथ कृपया रेज करें। नोबडी सर, हाँ प्रिया आप कुछ बताना चाह रही हैं? प्रिया दास बुरी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। बोल रहे पॉइंट का थोड़ा सा हिंदी में भी बता दीजिए, बाकी तो हिंदी में बता दे रहे हैं लेकिन पॉइंट का हिंदी में बता दीजिए तो और अच्छा से समझ में याद जाएगा, कुछ दिन के लिए याद भी रहेगा। हिंदी शब्द, ये परिभाषा जो है ये तो हमको हिंदी में पता नहीं है, हम सोच के आपको बताएंगे, मैं झासर को भेज दूंगा अगर कोई हिंदी परिभाषा हमको मिल जाए, ठीक है। आप परिभाषा के बारे में बोल रहे हैं तो कि ये जो टाइटल्स जो है पॉइंट्स जो है, हाँ हमको समझ में आ रहा है, हम कोशिश करेंगे, ये जरूर मेरे तरफ से खामियां है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि सही मायने में मेरा हिंदी हिंदी में या मेरा मातृभाषा है बंगाली, बंगाली में मुझे पता नहीं है इसका परिभाषा क्या हो सकता है, तो क्योंकि ये सारी चीज जो है ये अंग्रेजी में ही है,
ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे। हाँ हम तो देख रहे हैं कि इंग्लिश में तो है लेकिन थोड़ा सा हमको हिंदी भी चाहिए। हाँ 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 हम कोशिश करेंगे, अगर कहीं कहीं से हमको मिल जाए तो हम जरूर झासर को हम भेज देंगे बाद में, या फिर ग्रुप में शेयर कर देंगे, आपको भी मिल जाएगा। यस सर, ऐसे मोबाइल से हम हिंदी भी कर लेते हैं लेकिन अभी जो स्क्रीनशॉट बना ले रहे हैं ऐसा हर्ट नहीं है। नहीं, आप क्या कर सकते हैं, हम झासर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी हमने पावर पॉइंट आपको दिखाए हैं ये आपको मटेरियल के तौर से आपको दिया जाए। यस सर, ये क्योंकि ये पीपीटीज उनके पास, मैंने सारे पीपीटीज उनको भेज दिए हैं। झासर आप सुन रहे हैं? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप यू कैन टेक प्रिंट आउट्स एंड गिव इट टू देम एज मटेरियल्स, दे कैन ज़ेरॉक्स इट। मैं आपके ग्रुप में सभी से पावर पॉइंट सेंड कर दूंगा, आप लोग वहां से शेयर कर सकते हैं। हां ले सकते हैं, वो भी दिक्कत नहीं है, कोई बात। एनीबॉडी एल्स, कोई दूसरे व्यक्ति? सर इमोशनल रीजनिंग के बारे में थोड़ा सा रिक्वायर्ड बताएंगे। इमोशनल रीजनिंग, क्या आप इमोशनल रीजनिंग जानना चाहते हैं या फिर उसका हैंडलिंग? उसका हैंडलिंग सर। उसका हैंडलिंग, हाँ एक मिनट। हाँ, इमोशनल रीजनिंग का जो है कि नीरज सर आप पिछले स्लाइड पे आइए, इमोशनल रीजनिंग वाला। हाँ इमोशनल रीजनिंग जहाँ पे थे, अगले 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 वाला, अगले वाला, नहीं 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 आगे आइए, आगे आइए, आगे और एक आगे। हाँ बस बस, थैंक यू थैंक यू। नहीं कोई उसका पिछला पिछला उसके पिछले वाला। हाँ 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 यही यही, थैंक यू थैंक यू। तो आप देखिए कि यहाँ पर लिखा है कि फीलिंग्स आर बेस्ड ऑन थॉट्स, हमारे जो अनुभूति है, हमारा जो फीलिंग्स होता है वो हमारे चिंता के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो चिंता ही गलत तरफ गलत दिशा पे जा रहे हो तो हमारा फीलिंग्स तो गलत होगी। अगर हम सुबह उठकर सोच रहे हैं कि आज का दिन सही नहीं है, ये किस चीज के बलबूते पे हम सोच रहे हैं? हम तो अभी नींद से जागे हैं, हम सोच रहे हैं कि आज का दिन कुछ ठीक नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। और इसी बीच क्या हो गया कि इस थॉट के ऊपर बेस्ड हो गया हमारा फीलिंग कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ मूड खराब है, या फिर आज कुछ जरूर कुछ खराब होने वाला है, तो ये सोच भी गलत हो गया, तो ये फीलिंग्स भी हम गलत हो गए। हाँ, क्योंकि हम किसी को देखकर हमको पता चल रहा है कि ये बंदा सही नहीं है, हम चेक भी नहीं किया कि ये अच्छा है कि नहीं, उसको दिखने में हमको अच्छा नहीं लगता, देखते ही हमको पता चलता है कि ये इसका कोई गलत इरादा है। उसी बलबूते पे हम क्या करते हैं, उसके साथ हम गलत तरीके से पेश आते हैं, और जब हम गलत तरीके से पेश आते हैं वो भी हमारे साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आते। जब वो अच्छे तरीके से पेश नहीं आते यहाँ पर, हम बोलते हैं देखो हम तो सही थे, देखो वो हमारे साथ बुरा सलूक कर रहा है। लेकिन ये हम सोच नहीं रहे कि पहले हम उनके साथ बुरी तरीके से पेश आए। सो फीलिंग्स कैन लाई, वी हैव टू फर्स्ट चेक वेदर माई फील, आई मीन वेदर वी हैव टू चेक वेदर आर थॉट्स आर रैशनल और नॉट। क्योंकि अगर थॉट रैशनल ना हो तो उसको बदलना पड़ेगा, जो हमने एबीसीडी मॉडल में दिखाए थे उसको डिस्प्यूट करना पड़ेगा, फिर ऑल्टरनेट थॉट्स इवेल्युएट करके हमको फर्निश करना पड़ेगा रैशनल ऑल्टरनेटिव्स। और ये डिस्प्यूट वाला जो चीज है ये हम ट्रिपल कलम टेक्निक से करते हैं, हम ऑल्टरनेट थॉट्स को इवेल्युएट, ऑल्टरनेट कंक्लूजन हम ले आते हैं, और फिर हमको कंक्लूजन चैलेंज करके ऑल्टरनेट कंक्लूजन हम देते हैं। ओके आपको समझ में आ गया या फिर अभी भी कोई डाउट है? आ गया सर, समझ में आ गया सर, थैंक यू। और कोई पार्टिसिपेंट्स कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? एनीबॉडी एल्स? राखी प्रसाद बोलिए। सर मुझे वो एलओसी के बारे में पूरा, क्या लोकस ऑफ कंट्रोल? बहुत सर मुझे हैंडलिंग भी और वो भी, वो मुझे क्लियर नहीं हुआ। अच्छा नीरज सर आप पिछले वाला स्लाइड जो है पिछला एक, हाँ जस्ट पिछले वाला स्लाइड पे आइए बस, थैंक यू थैंक यू। तो आप देखिए एलओसी जो है लोकस ऑफ कंट्रोल,
ये दो दो तरीके के होता है। एक तो यह होता है कि पूरा अंदर मेरे अंदर है, मतलब कि मैं सारे चीज के लिए जिम्मेदार हूं। घर में जो चीज हो रहा है मेरे जीवन में तो है ही, उसके लिए तो खैर सही तरीके से हम ही जिम्मेदार है। अलग से डिजास्टर या फिर एक्सीडेंट के बगैर बाकी सारी चीज के लिए हम जिम्मेदार है, लेकिन घर में जिस जो जो शख्स है, घर में जो भी होता है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अब मान लीजिए अब आप लैपटॉप के सामने कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, अगर घर में कोई गिर जाए उसके लिए आप कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? लेकिन मैं उसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ कि क्योंकि मैं इस सेशन में हूँ इसलिए मैं उसका ठीक तरीके से देखभाल नहीं कर पाए, इसलिए वो बंदा गिर गया और मैं ये इसके लिए जिम्मेदार। और ये क्या होता है, मेरे अंदर स्ट्रेस पैदा करता, क्योंकि आप तो एक एक टाइम पे दो जगह पे हो नहीं सकते हो। यू कैन नॉट बी एट द सेम टाइम इन फ्रंट ऑफ योर कंप्यूटर एंड एट द सेम टाइम लुकिंग टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, ये तो हो नहीं सकता। तब जाके क्या होता है कि हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा होता है, और जब कोई गलत हो जाए तो मैं खुद को जिम्मेदार ठहरा के मेरे अंदर दुख पैदा हो जाता है। ओके, सो वी हैव टू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक मैं इस कंप्यूटर के सामने हूँ, घर के कोई कुछ और जो बड़े जो है वो छोटे का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, या फिर जब हम पढ़ाई करते हैं तो घर का काम कोई और थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, या फिर हम जब कॉलेज जाते हैं तो घर में क्या क्या होगा उसके लिए तो हम जिम्मेदार नहीं हो सकते, क्योंकि हम कॉलेज में हैं, हम एक साथ कॉलेज में और घर में तो हो नहीं सकते। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। और उसको हैंडल करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना पड़ेगा। आप स्क्रीन पे देखिए जहां पर है कि अदर्स को भी हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। ठीक है, और ये दूसरों के लिए रिस्पेक्ट भी है कि हम सारे वक्त खुद को उनके ऊपर हावी ना हो। ठीक है, लेट देम बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्व्स आल्सो। और उल्टा जो है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, मतलब कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं, हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरा पढ़ाई मेरे हाथ में नहीं है, क्या करूंगा पढ़ के, मुझे तो पता नहीं है एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन है। हालात ये है कि हम सोच सकते हैं अगर हम पढ़ाई ठीक से करें जो भी प्रश्न आए हम आंसर दे सकते हैं, या फिर हम सजेशन बना सकते हैं, या फिर हम दूसरों के साथ ग्रुप स्टडी करके ये एक तय कर सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। ये हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं और सोच रहे हैं मेरे हाथ में तो है कुछ नहीं। सो आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल दिस एक्शंस, आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई ओन लाइफ, माई ओन एक्शंस। मेरा जो पढ़ाई है, मेरा जो सजेशन बने एग्जाम प्रिपरेशन है, या फिर मेरा जो कंपिटिटिव एग्जाम के लिए क्या क्या ढूंढना पड़ेगा, कौन सा सपोर्ट सिस्टम लाना पड़ेगा, उनसे हेल्प लाना पड़ेगा, ये हमको तय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं। समझ में आ गया आपको? ओके, थैंक यू। एनीबॉडी, कोई और पार्टिसिपेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन है आप काइंडली अपना हाथ रेज कर सकते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन सर चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ। अच्छा, सुचिता सिंह का है सर, प्लीज ग्लोबल लेबलिंग रिपीट अगेन। ग्लोबल लेबलिंग, अच्छा, ग्लोबल लेबलिंग। नीरज सर आप अगले स्लाइड पे आइए और आगे आइए। बस थैंक यू। तो आप देखिए ग्लोबल लेबलिंग मतलब है कि हम वो ओवर जनरलाइजेशन जो था ओवर जनरलाइज करके किसी के ऊपर या फिर एक पूरा कम्युनिटी के ऊपर एक लेबल थोप देते हैं कि ये पूरा कम्युनिटी की बुरा है, ये पूरा कम्युनिटी बदमाश है। मान लीजिए कि कोई एक टीचर हमारे साथ थोड़ा गुस्से से पेश आए तो पूरा टीचर लोग ही है जो बदमाश है। बहुत सारे ऑफिस में बहुत सारे वर्कर को लगता है कि मैनेजमेंट मतलब ही बदमाश है, ये एक्सप्लॉइट करता है हमारे साथ। ठीक है, या फिर हम सोचते हैं कि एक लड़की हमारे साथ थोड़ा धोखा दिया है, सारे लड़कियां ग्लोबल लेबलिंग करके बोल देते हैं कि सारे लड़कियां खराब है, या फिर एक शख्स के ऊपर भी हम ग्लोबल लेबलिंग कर सकते हैं कि एक बार वो हमारे साथ गलतियां की है तो ये आदमी ही गलत है, ये बंदा ही गलत है।
So based on one or two evidences, I sort of generalize. Okay. So I have to be specific. I have to focus on those one or two evidences. I will not generalize. Or generalize karke kya hoga? Neeraj sir, agle slide pe aaiye. Agle se agle. Aur bhi aage. Aur aage. Bas. Thank you. Nahi. Iske pichle wala. Ek slide piche jaiye. Haan, bas. Thank you. Ab dekhiye. जनरलाइजेशन के साथ ग्लोबल लेबलिंग जुड़ा हुआ है तो एक या दो एविडेंस हमारे कंक्लूजन के फॉर होते हैं. एविडेंस फॉर माय कंक्लूजन, हाँ एक या दो. लेकिन एविडेंस अगेंस्ट माय कंक्लूजन, एक लड़की खराब है, सारे लड़की खराब है नहीं, एक लड़का बदमाश है, मतलब सारे लड़के बदमाश नहीं होते. ऑल द बॉयज आर नॉट बैड, एविडेंस अगेंस्ट माय कंक्लूजन. सो आई कैन टेक एन ऑल्टरनेट कंक्लूजन कि सारे टीचर्स खराब नहीं है, सारे स्टूडेंट्स बदमाश नहीं होते. एंड आई फोकस ऑन ओनली वन और टू ऑफ दोज सिचुएशंस, वन और टू. सो आई बी स्पेसिफिक, ग्लोबल लेबलिंग में स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आई विल बी फोकसिंग ऑन दोज वन और टू एक्सेप्शनल केसेस. ओके, आपको समझ में आ गया सुचिता, या फिर अभी भी कोई डाउट है? हेलो, आपको समझ में आ गया? हाँ सर, गुड आफ्टरनून. हाँ. सर समझ आ गया है. एक कुछ सवाल थे मेरे, जैसे सर कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि जैसे हम सही हैं, बट सिचुएशन हमारे साथ ऐसा है कि सही रहते हुए भी मतलब लोग या कॉलेज हुआ या पीपल हुआ या घर हुआ, मतलब सिचुएशन ऐसा है कि हम वहाँ पे गलत हो रहे हैं, पर हम जानते हैं कि हमने सही किया है और वो सही है, और अच्छा. वो सही बाद में पता चलता है कि नहीं वो सही था, वो सही है, सिचुएशन सही नहीं था. तो इस सिचुएशन को कैसे फिर फेस करना चाहिए सर? हाँ, तब जाके आपको ये तय करना पड़ेगा. पहले तो ये है कि ये आपका कोई इरेशनल थॉट नहीं है, ये आपका डिस्टॉर्शन नहीं है. ठीक है, क्योंकि इस सिचुएशन में आप सही मायने में सही है. ठीक है, तब जाके आपको ये जो गलतियां है दूसरों का या सिचुएशन का, ये कैसे हैंडल करेंगे, आपको सोचना पड़ेगा कि किस किस के साथ आप बात कर सकते हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स आपको लाना पड़ेगा. ठीक है, किसके पास आप जा सकते हैं. हमने सपोर्ट सिस्टम आपको दिखाया है, किसका सपोर्ट, किसका सहायता आप ले सकते हैं, किसके साथ बात करने से ये जो गलतियां हो रहे हैं ये गलतियां हम दूर कर सकते हैं. ठीक है, अगर फिर भी ना हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये सिचुएशन में हम रहेंगे या नहीं रहेंगे. ठीक है, या फिर आप नेटवर्क सपोर्ट पैदा कर सकते हैं कि और जो स्टूडेंट्स है या फिर और भी जो टीचर्स है, सारे सब सबके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हम सारे लोग मिलकर ये गलतियां दूर करें. ओके ओके सर, ओके थैंक यू सर. कोई और? हाँ सर, एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में ही सर आया है, मैं ले रहा हूँ. आकांक्षा मिश्रा का एक क्वेश्चन, सर हैंडलिंग ऑफ फिल्टरिंग मिस शिफ्ट ऑफ फोकस नॉट क्लियर. अच्छा, थोड़ा सा क्लियर कर दें. हाँ जरूर. हैंडलिंग ऑफ फिल्टरिंग तो फोकस मतलब ये है कि मैं तो पॉजिटिव्स को निकाल दिया था फिल्टर करके और सिर्फ नेगेटिव से नेगेटिव था, लेकिन अब मैं क्या करूंगा कि फिल्टरिंग बंद करने के लिए पॉजिटिव्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा. मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल दिए थे कि 8 पॉजिटिव फीडबैक मिला है मुझे, 2 नेगेटिव फीडबैक मिला है. मेरा फोकस पूरा था वो सिर्फ 2 नेगेटिव के ऊपर. ठीक है, मैं शिफ्ट ऑफ फोकस करके देखूंगा कि 8 पॉजिटिव फीडबैक भी है. ठीक है, तो मेरे जीवन में सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव भर गए थे कि वो 2 फीडबैक हम मैग्नीफाई करके मैं डर गया था या फिर मुझे बुरा लग रहा था या फिर मुझे गुस्सा हो रहा था, मुझे टेंशन हो रहा था. लेकिन अभी मेरा सेल्फ एस्टीम थोड़ा बूस्ट हो जाएगा कि नहीं, 8 फीडबैक तो पॉजिटिव आया है, मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ, एक्चुअली मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे 8 फीडबैक आया है. 8 फीडबैक, 10 में से 8 फीडबैक मतलब 80% अच्छा फीडबैक मिला है, 20% नेगेटिव फीडबैक मिला है. तो मैं किस चीज के ऊपर फोकस करूं,
वो 20% के ऊपर या फिर 80% के ऊपर, तो शिफ्ट फोकस करूंगा वो 20% से 80% के ऊपर, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट फोकस। ओके, आई होप समझ में आ गया। ओके सर। ओके, और कोई प्रश्न है? फिलहाल तो सर कोई प्रश्न नहीं है। ओके जी, तो हम आगे बढ़ते हैं कि अभी तो टाइम भी खत्म हो रहा है, सो 5-10 मिनट लेना चाहें, नो प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम वही पांच या 10 मिनट हम ले सकते हैं। जी जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ओके, तो पार्टिसिपेंट्स ये जान ले कि दीज वर द टेक्निक्स ऑफ हाउ टू मैनेज माय थॉट्स, ठीक है? आप वो ABCDEF जो मॉडल था आपको आप फिर से दोहरा दीजिए। नीरज सर आप कृपया वो मॉडल का जो स्लाइड था पीछे जाइए, हम बोल देंगे आपको कहाँ रुकना पड़ेगा। पीछे जाइए, बस 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 बस, नहीं नहीं थोड़ा आगे आइए, अगला वाला स्लाइड, बस बस। ये जो ABCDEF मॉडल जो है, ये डी जो है, यही हम अभी कर रहे थे कि इरेशनल बिलीफ को कैसे हम डिस्प्यूट करें और इवैल्यूएट करें, जैसे हम देखा था कि अल्टरनेट कंक्लूजंस, फिर हम इवैल्यूएट करके कंक्लूजन अगेंस्ट माय एविडेंसेस अगेंस्ट माय कंक्लूजन हम देखेंगे और फर्निश करेंगे अल्टरनेट कंक्लूजंस। जैसे हमने पिछले दिन बोले थे इमोशन मैनेजमेंट में, इमोशंस को हम मैनेज नहीं कर पाते, हम इमोशंस के साथ जुड़े हुए जो थॉट्स है उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं। ओके, तो ये था हमारा इमोशन मैनेजमेंट का पूरा मॉड्यूल, ठीक है? हाउ टू मैनेज माय थॉट्स, देन हाउ टू मैनेज माय इमोशंस। अब आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे टाइम ऐसा भी हो सकता है कि हमारा थॉट्स कंट्रोल में नहीं हो रहा है, हमारा अंदर इतना गुस्सा आ गया, इतना वो सिचुएशन, रिमेम्बर की स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, स्टेज ऑफ ऑपरेशन, वो स्टेज ऑफ ऑपरेशन उसको देखते ही हमको इतना गुस्सा आ रहा है कि इतना डर पैदा हो रहा है कि कोई थॉट, कोई मैनेजमेंट काम नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तब जाके हम क्या करेंगे, नीरज सर थोड़ा आगे आइए, हम बोल देंगे आपको, थोड़ा आगे आइए, आगे और भी आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए और भी आगे, और भी आगे, और हाँ बस पिछले वाला हाँ बस, थैंक यू। तो ये देखिए, जैसे हमने बोला था ना CBT, कॉग्निटिव टेक्निक्स, मतलब हमारे सोचने का तरीका, कैसे हम अपना सोच बदले। लेकिन फिर भी अगर ना हो तो कुछ बिहेवियरल टेक्निक्स है जो हम अभी देखेंगे कि कुछ भी कर ले हमारे अंदर वो डर या फिर वो गुस्सा या फिर वो एंजाइटी नहीं जा रहा है, तब हम थोड़ा बिहेवियरल टेक्निक्स हम अप्लाई करेंगे। वो स्टेज ऑफ ऑपरेशन जो है, जब वो सिचुएशन में है जहां पर हमारा नेगेटिव इमोशंस होता है, तब हम जाके थोड़ा डीप ब्रीदिंग कर लेंगे। डीप ब्रीदिंग मतलब क्या है, आप देखिए, आपको आंख बंद करना पड़ेगा, ठीक है? आप थोड़ा अभी भी हम डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, अभी आप सब लोग देखिए हमको, मैं अपने आंख बंद करके एक रिलैक्स पॉस्चर में बैठ के हम क्या करेंगे, डीप ब्रीथ करेंगे, आई टेक इन एयर डीपली थ्रू माई नोज, ठीक है? सभी देख रहे हैं, आई टेक एयर डीपली थ्रू माई नोज, ठीक है? और कैसा यह होता है कि जब हम टेंशन में होता है ना, हमारा चेस्ट से ब्रीदिंग होता है ऐसे करके, हैं? जैसे होता है कि हम थक जाते हैं जब, या फिर टेंशन में आ जाते हैं ऐसे करके ब्रीद करते हैं, तब यह क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा एयर हमारे अंदर जाता है, और इसका साइंटिफिक कारण भी है। आप बहुत सारे जगह हम देखेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको सिखाते हैं, या फिर योगा जो है उसका ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक रीजन आपको नहीं देते क्यों डीप ब्रीदिंग की जरूरत होता है। अगर आप लंबा सांस ले तो और भी ज्यादा ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगा, और ऑक्सीजन कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है, और ब्रेन जितना ज्यादा ऑक्सीजन आपको मिलेगा तब जाके
वो ब्रेन बेहतर काम कर सकेगा। क्योंकि मैंने बोला था ना, सारे चीज यहाँ पर है, दिल में कुछ नहीं है। दिल सिर्फ ज्यादा ब्लड पंप करता है, जो ब्लड ब्रेन में जाता है। इसलिए हम जब बहुत गुस्से में आता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर मतलब क्या है, हार्ट और ज्यादा पंप कर रहा है, और ब्रेन में अगर ज्यादा खून चला जाए तो हमारा स्ट्रोक भी हो सकता है, कार्डियक स्ट्रोक या फिर सेरेब्रल स्ट्रोक भी हो सकता है। लेकिन हम जब सांस कम हो जाता है, सांस की जरूरत, तब ऐसे करके जब ब्रीथ करते हैं तब कम ऑक्सीजन जाता है और ब्रेन को कम ऑक्सीजन मिलता है। वो ठीक तरीके से सोच नहीं पाता है कि ये बंदा जिससे हम डर रहे हैं और ये बंदा जिसके साथ हम गुस्सा हो रहा है, इससे कैसे किस तरीके से हम पेश आए। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज क्या करता है, वो आपको ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए काबिल बनाता है। ओके, सो आप देखिए मैं क्या करता हूं, मैं अपने आंख बंद करके आप देख रहे हैं हम नाक से सांस ले रहे हैं, थोड़ा रुक रहे हैं, ब्रेथ ले रहे हैं पेट से, ठीक है, ब्रेथ ले रहे हैं पेट से, हम पूरे स्क्रीन में नहीं आएगा, ब्रेथ ले रहे हैं पेट से और फिर मुंह से वो निकल रहे हैं, सांस मुंह से निकल रहे हैं। और जब हम जब आप करेंगे ये सोचते वक्त करेंगे कि ऑटो सजेशन, स्क्रीन के नीचे लिखा है कि ऑटो सजेशन आप देंगे कि एक मिनट, ऑटो सजेशन आप देंगे कि मैं खुद पॉजिटिव एयर ले रहा हूं, मेरे अंदर सब पॉजिटिव सब अच्छाइयां मेरे अंदर फैला जा रहा है। और जब आप सांस बाहर निकाल देंगे तो ये सोच के निकाल देंगे कि मेरे अंदर से सारे नेगेटिव्स निकाल जा रहे हैं, मैं अब नेगेटिव सारे निकल दे रहा हूं, मैं सब कुछ नेगेटिव जो है मेरे अंदर से निकल जा रहा है। ऐसे करके हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। ओके, ये था ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अगला वाला जो है गाइडेड इमेजरी। जब आप बहुत टेंशन में होते हैं, मान लीजिए एग्जाम हॉल में बैठे हैं, बहुत टेंशन हो रहा है, ठीक है, कंट्रोल में नहीं हो रहा, या फिर आपको डर गए, तो आप एक काम कर सकते हैं, आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करके एक रिलैक्स पोस्चर में बैठ के आप सोचिए कि आप बहुत एक अच्छा जगह में, जो जगह आपको सबसे ज्यादा प्यारी हो, ये तो आपका घर हो सकता है, या फिर कोई सुंदर से जगह, या फिर जंगल, या फिर समंदर, या फिर कोई पहाड़, कुछ भी हो सकता है, या फिर पेड़ों के बीच में आप पैदल चल रहे हो, या फिर सोए हुए हो, या फिर बैठे हो, ये आप सोच लीजिए कि पंछियां उड़ रही है, एक अच्छे से नदी अपनी धीरी लय से बह रही है। यू कैन थिंक, क्लोज योर आईज, सिट इन रिलैक्स मैनर, देन इमेजिन सेल्फ इन अ नाइस सीनरी ऑफ योर ओन चॉइस। ठीक है, इसे करने से थोड़ा आपके अंदर सुकून आ जाएगा, थोड़ा यू विल फील सेटल्ड, थोड़ा आप यू विल बी मोर रिलैक्स्ड। ठीक है, तो ये दोनों आप ट्राई कीजिए, ये दोनों तकनीक आप फिलहाल ट्राई कीजिए। तब जाके जब थॉट्स को आप इतने सारे जो थॉट टेक्निक हमने सिखाए, उसके बावजूद अगर ना हो सके तो ये दोनों टेक्निक आप इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो ये इतना ही था मेरा प्रेजेंटेशन, और मैं आभारी हूँ ग्रिजली कॉलेज के ऊपर कि हमारे धीरज सर आप अगली स्लाइड पे आइए, बिल्कुल लास्ट स्लाइड पे। यस ये वाला। तो पार्टिसिपेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर संजीता कुमारी, प्रिंसिपल मैडम, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टेक दिस वर्कशॉप विथ ऑल ऑफ यू। मिस्टर सी एन झा, वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर, जो जिनके साथ हमारे बातचीत होते रहता है,
उन्होंने मुझे कन्विंस किया था। मैं तो पहले डर रहा था कि मैं ना करूं ये वर्कशॉप, ये मेरा पहला ऑनलाइन वर्कशॉप है। मिस्टर सौरभ शर्मा वर्कशॉप कन्वीनर, मिस्टर रोहित कुमार, नीरज सर का नाम मुझे बाद में मिला, तब जाके एक्चुअली मैंने पावर पॉइंट भेज दिए थे। सो स्पेशल मेंशन टू मिस्टर नीरज सर भी, वर्कशॉप टेक्निकल सपोर्ट एंड ऑल द अदर स्टाफ मेंबर्स कनेक्टेड विद दिस वर्कशॉप, क्योंकि इनके बगैर ये वर्कशॉप हम कर नहीं पाते। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट दिस वर्कशॉप एंड अबव ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स फॉर डेली पेशेंटली और एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेटिंग इन द वर्कशॉप। आप जुड़े रहे इतने देर, 6 दिन के लिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने फीडबैक भी दिए, प्रश्न भी पूछे, क्लैरिफिकेशन भी दिए, और सबसे ज्यादा आपने अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर भी किए। और मेरा उम्मीद है कि आप कुछ यहाँ से सीखे हैं, हम भी आपके साथ जुड़ने के बाद बहुत कुछ सीखे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ, होप द वर्कशॉप विल बी बेनिफिशियल टू यू ऑल इन शेपिंग योर लाइफ, सिक्योर करियर एज टीचर्स। आपके टीचर बनने के आपके जो जर्नी है उसमें आपको सहायता देगी एंड बिल्ड रियल ह्यूमन बींग्स। आप भी जब टीचर बनेंगे आप भी सही इंसान पैदा करेंगे, रियल ह्यूमन बींग्स आउट ऑफ योर ओन स्टूडेंट्स, क्रिएटिंग ए बेटर सोसाइटी। बी आइडल्स टू अदर्स, उनके लिए आप रोल मॉडल बने, एक आइडल बने, जस्ट एज ऑल योर टीचर्स आर टू यू ऑल। विदाउट यू द वर्कशॉप वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल। थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हाँ सर, मेरा प्रेजेंटेशन खत्म। जी, ओके सर। मैं अब कुछ पार्टिसिपेंट से चाहूंगा कि वो अपना ओरली फीडबैक दे। मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, वैसे तो मैं बहुत सारे लोगों का नाम लेना चाहता था, लेकिन समय की कमी है थोड़ा सा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ लोगों का नाम लूँ जो अपना स्मूथली फीडबैक दे सके। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, आप समय कम लेंगे, ज्यादा टाइम ना लेंगे, क्योंकि और भी हमारा इवेंट्स वैलिडेटरी सेशन अब से स्टार्ट हो रहा है। मैं चाहूंगा कि आप लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा अपना फीडबैक दें। तो मैं सबसे पहले नाम लेना चाहता हूँ सोमेश रंजन। सोमेश रंजन, आप ऑडिबल हो जाएं। यस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक सुमित दत्ता सर दैट ही कंडक्टेड दिस वर्कशॉप सो स्मूथली एंड ऑल्सो आवर ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वर्चुअल वर्कशॉप ऑन अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ which is part of our curriculum also amid this pandemic. So when I came to know that we have to join a workshop, I was little bit apprehensive. But as I joined it, it was like that the class was being taken by Ranchhod Das. You must all be knowing Ranchhod Das. Ranchhod Das is the protagonist in the movie Three Idiots. So the class was democratic. Sir gave us ample chance to introspect ourselves and think out of box that how we can improve ourselves and our daily routine. He also gave some tips and tricks that how we can manage our emotions, communicate effectively and overcome the problem of procrastination and many more. And also because of this workshop, I came to know about our female classmates, especially the married ones, that after doing their daily chores, they managed to take out time for their studies, and I salute them for that. And this instance motivated me a lot, that how they are managing their daily routine, that even after doing their daily work, their daily chores, they are managing to take out time for their duty, so which motivated me a lot. So instead of showing dereliction of duty, we should work diligently. Actually, I want speak a lot, but as the time is less, so I at last I would like to conclude that this workshop was very effective and prolific. Thank you, sir, for interacting with us. Thank you, sir. Thank you very much, Swamesh ji. अब मैं नाम लेना चाहता हूँ कृति कुमारी, रोल नंबर 5, कृति। आप ऑडिबल हो जाएं, कृति। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर, वर्कशॉप जो है बहुत ही इफेक्टिव रहा, हम लोग के लिए बहुत ही मोटिवेशन मिला हम लोगों को।
और ये वर्कशॉप से सर हम लोग के लाइफ में बहुत कुछ चेंज होगा सर, और हम लोग बहुत ही पॉजिटिव इसका इफेक्ट रहा है हम लोग पे। सर आपने बहुत कुछ बताया हम लोगों को कि किस तरह से हम लोग अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, बैरियर को हटा सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें हमें को जानने मिली। और साथ ही हम लोग बहुत सारी क्लासमेट्स ऐसी हैं जो अपने घर को संभालते हुए पढ़ाई कर रही हैं, तो वो भी हम लोग के लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा सर। और इस तरह हम लोग देखते हैं सर कि हम लोग के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जो आपके वर्कशॉप करने के बाद हम उन सभी प्रॉब्लम को हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और अपने लाइफ में गोल को अचीव कर पाएंगे सर। और इस तरह वर्कशॉप जो है बहुत ही बेनिफिशियल रहा, और इसके लिए सर हम कॉलेज और सभी फैकल्टी मेंबर्स को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसे टाइम में हम लोग के लिए वर्कशॉप को अटेंड कराया, मतलब अरेंज कराया कि फर्स्ट टाइम हम लोग ऑनलाइन जो है वर्कशॉप अटेंड कर पा रहे हैं। और थैंक यू सर हम लोग को गाइड करने के लिए, हम लोग का क्वेश्चंस को बताने के लिए और हम लोग को गाइडलाइन देने के लिए सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। मैं पार्टिसिपेंट से भी अनुरोध करूंगा कि जो लोग का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं वो अपना चैट बॉक्स में भी आप अपना फीडबैक रेज कर लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, वहां भी आप नाम दे सकते हैं। मैं अगला नाम लेना चाह रहा हूँ, गुड्डी कुमारी, रोल नंबर 95। गुड्डी कुमारी आप ऑडिबल हो जाइए। यस सर गुड आफ्टरनून सर। हेलो बोलिए। गुड आफ्टरनून बोलिए सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा हम लोग का ये 6 दिन का वर्कशॉप रहा। फर्स्ट दिन तो उतने अच्छे से समझ में नहीं आया कि इसमें होना क्या है या क्या करना है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया एक तरह से कह सकते हैं कि लाइफ को देखने का जो नजरिया था हमारा वो एकदम बिल्कुल चेंज हो गया। और अभी तो उतना हम लोग के पास टाइम नहीं है, नहीं तो अगर पूरा दिन भी कहें तो खत्म नहीं होगा। बहुत बहुत थैंक यू सर, सुमित सर का और हमारे कॉलेज के सभी टीचर्स और जितने भी प्रिंसिपल मैम सब हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इतने अच्छे वर्कशॉप से जुड़ सकें इस टाइम में, जबकि हम लोग कॉलेज में नहीं है फिर भी। तो सर और एक बात मैं कहना चाहूँगी सर कि बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मैं ग्रुप में नहीं डिस्कस कर सकती थी, तो क्या मैं सर से पर्सनली अपने प्रॉब्लम के बारे में बात कर सकती हूँ, इस नंबर मिल सकता है सर? हाँ, मैंने तो बोल दिया है और मैं नंबर छात्र के पास है, वो शेयर कर देंगे। मैंने पहले आपके आपके ग्रुप में जो है ना गुड्डी, मैंने नंबर सर का शेयर किया हुआ है, आप एक बार चेक करेंगे तो सर का नंबर मिलेगा आपको। अच्छा ठीक है सर, मैंने शेयर किया था। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। मैं अगला नाम लेना चाहता हूँ, मोना सिन्हा। मोना आप ऑडिबल हो जाइए, बोलिए मोना। गुड आफ्टरनून सर। हाँ सबसे पहले थैंक यू सर, सुमित सर का। सबसे पहले मैं कॉलेज का शुक्रिया अदा करूंगी जिनके मैंने टीचर्स उन सभी का दिल से अभिनंदन करना चाहूंगी जिन्होंने ये प्रोग्राम बहुत अच्छे तरह से तरीके से आयोजित किया और करवाया। जो अभी समय चल रहा है कोरोना काल है, वो हम सबको कॉलेज से जुड़े रहने का जो एहसास है उसे कायम रखने का जो एहसास करवाया उसके लिए शुक्रिया सर। हमारे नीरज सर को भी थैंक यू सर। शायद सर जितना भी कहूँ शब्द कम पड़ जाएंगे। और अपने सहपाठियों के लिए भी कहना चाहूंगी कि हम एक से नहीं अनेक होके भी एक बने, अलग होके भी एक दूजे के विद्या के मंदिर में साथ खड़े हैं। हम सब चाहे जहां भी हों उद्देश्य यही रहा है कि ज्ञान को प्राप्त करना, और इसे हमारे सबका मार्गदर्शक बनकर सुमित सर जिन्होंने हमें हमारी उन कार्य को करवाया जो हमारे अंदर छुपी समस्याओं को समाधान, जो हमारे अंदर ही समस्या थी उसी का समाधान करवाया, और इसलिए उनको बहुत धन्यवाद सर। अब मैं सभी से माफी भी चाहूंगी अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो या किसी को दुखी पहुंचाया हो तो। सर बहुत थैंक यू सर, बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब मैं नाम लेना चाहता हूँ रवि मिश्रा। आप मुझे सुन पा रहे हैं रवि? यदि आप सुन पा रहे हो तो आप ऑडिबल हो सकते हैं। रवि मिश्रा रवि मिश्रा आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? रवि
कोई बात नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं पूनम का नाम लेना चाहूंगा, रोल नंबर 44, पूनम कुमारी। पूनम आप ऑडिबल हो जाएं। यस, गुड आफ्टरनून सर। सर मुझे लगता है आप सबों को थैंक यू करना शायद बहुत छोटा वर्ड है, इसलिए वैसे तो थैंक यू सो मच, लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मेरे मन में एक बात आ रही है सर, जो कि मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी कि सर अभी एक वर्ड आता है कम्युनिकेशन गैप, और उसी के कारण बहुत सारी बातें आती है, बहुत सारे अलगाव होते हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि बच्चे अपने मन की बातें अपने पेरेंट्स से भी नहीं बता पाते, तो मुझे लगता है सर ये सब चीजें जो आप बता रहे हैं ये स्कूल में भी बताया जाना चाहिए, मीन्स कि जब बच्चे 9th-10th में हो इस टाइप से कुछ हो तो उनको जरूरी नहीं है कि सारी चीजें टेक्स्ट बुक में ही हो। तो ऐसा एज अ टीचर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को इन चीजों के बारे में बताएं कि कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे अपने मन की बातों को हम शेयर कर सकते हैं, कैसे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं एटसेट्रा। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अब मैं एक और नाम लेना चाहता हूं, आकांक्षा मिश्रा। आकांक्षा आप बताएं। यस सर। सर एट फर्स्ट आई एम वेरी मच थैंकफुल टू उमित दत्ता सर एंड आवर प्रिंसिपल मैम और प्रोफेसर्स, एंड एज वेल एज आई एम थैंकफुल टू माय फ्रेंड्स हु शेयर्ड देयर एक्सपीरियंसेस विद अस। And sir, if I would like to say in a nutshell, I can say that nobody else can change us until or unless we ourselves want to change ourselves. And after attending this session, I can say that in order to build a desire to improve ourselves, this entire session was very helpful. Or sir, एक और बात मैं इसमें add करना चाहूँगी कि सुमित दत्ता सर ने यहाँ पे जितनी भी चीजें बताई हैं वो सब हम अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं पहले झेल चुके हैं, या फिर हम देखते हैं, या फिर हम उन सभी परिस्थितियों से गुजरते हैं, और सॉल्यूशन हमें पता होता है कि हाँ इस चीज का ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हैं ये सारे, मगर उनको अडेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता था, और अब मतलब उसको निभाना मुश्किल था। अब जब बहुत सारी फ्रेंड ने अपनी अपने तरीके शेयर किए यहाँ पे कि मैं इससे ऐसे टैकल करती हूँ, ऐसे टैकल करती हूँ, तो ये शायद बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल था। एक और चीज जो मुझे यहाँ पर अच्छा लगा वो ये कि सॉल्यूशन शायद हम सभी जानते थे और करते भी थे, या फिर प्रॉब्लम भी जानते थे, लेकिन हम टर्म्स नहीं जानते थे। तो अगर पढ़ाई के नजरिए से देखा जाए तो इस सेशन के दौरान हम बहुत सारे टर्म्स सीखे हैं, और वो टर्म हमारे लिए शायद बहुत ही बेनिफिशियल है। लाइक अगर कोई हमसे पूछे तो हम उस टर्म से उसको एटलीस्ट कोरिलेट कर सकते हैं और समझ और समझा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर द एंटायर सेशन, थैंक्स अ लॉट। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, आधे घंटे का ही समय मेरे पास है, तो मैं चाहता हूं कि मैं समय के अंदर ही इस वर्कशॉप को अंतिम पड़ाव तक ले जाऊं। अब मैं अपने सौरभ सर से, आदरणीय सौरभ सर से ये आग्रह करूंगा कि वो पूरे वर्कशॉप के जो 6 दिवसीय कार्यशाला हमारा चला है उसकी एक छोटी सी जो रिपोर्ट है वो आप कम से कम शब्दों में रखें। आदरणीय सौरभ सर। थैंक यू सर। सर मैं ऑडिबल हूँ? बिल्कुल सर। थैंक यू सर, वंदनी माँ शारदा और इस वर्कशॉप के रिसोर्स पर्सन हमारे सुमित दत्ता सर को मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ, और जिन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को कई नई जानकारियों से अवगत कराया। और मैं यहाँ सबसे पहले अपने महाविद्यालय के निदेशक अविनाश सर, हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, हमारे कोऑर्डिनेटर श्री सीनियर सीएन झा सर को, और फैकल्टी मेंबर को, और हमारे टेक्निकल स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि हमारा 6 दिवसीय कार्यशाला जो थी, इसमें हमने कई सारी जानकारियों को प्राप्त किया, हमारे सभी स्टूडेंट्स बहुत और बहुत प्रभाव पड़ा इसका, और इस कार्यशाला में हमने ऐसी ऐसी जानकारियों को प्राप्त किया जिनको हम सब जानते तो थे लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, उसको बता नहीं पाते थे। इन आज हम आखिरी पड़ाव पे हैं, और सबसे पहले मैं बताना ये चाहूँगा कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, और उसको अपने जीवन में जहाँ एक तरफ सकारात्मक और दूसरी तरफ आपके नकारात्मक विचार आते हैं, लेकिन उसे
आगे बढ़ना है अपने पथ पे और उसको रास्ते में कई सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। हमारे सुमित दत्ता सर ने इन 6 दिनों में हर एक समस्या का निवारण करने के लिए कई सारी चीजों को बताया, जिसमें उन्होंने हमें किस तरह से समायोजन करना चाहिए, हमें कैसे एकाग्रता बना के रखनी चाहिए, किस तरह से हमें अपने समय के मूल्य को समझना चाहिए, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा धन हमारा समय है। यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा हमारे स्वामी विवेकानंद जी की, मैं एक बार बात कहना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी हों या हमारे और भी महान विभूतियां हों, जो एकाग्रता पे बहुत विशेष बल देते थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है, कि हमें खुद को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और उन्होंने एक कोटेशन और भी बोला है कि सभी शक्तियां आपके अंदर हैं, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। एक व्यक्ति को यदि प्रॉपर मोटिवेट हो जाए, उसे अपने जीवन में समायोजन कर पाए, तो वह हमेशा सक्सेस हो पाता है। यहाँ पर हमारे सुमित दत्ता सर ने हमें मैनेजमेंट कई तरह के बताए, जैसे कि एक टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया हमें लास्ट, जैसे कि हम जान पा रहे हैं कि उन्होंने हमें इमोशंस के बारे में रूबरू कराया, इमोशंस के बारे में कि किस तरह से हमें हैंडलिंग करना। हम भी इसमें लगातार जुड़े रहे, हम ही सभी फैकल्टी मेंबर हम लोग सब जुड़े थे। मैं खुद भी सुमित दत्ता सर के द्वारा दिए गए जो नॉलेजेबल पॉइंट थे, जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, उनको मुझ पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। उन्होंने कई सारी ऐसी चीजें बताई कि हम लोग ऐसी ऐसी समस्याओं में कभी कभी पड़ जाते हैं, किस तरह से उससे हम निकल पाएंगे, किस तरह से हम उसको समाधान कर पाएंगे, किस तरह से हैंडलिंग कर पाएंगे। यहाँ पर मैं बात बताना चाहूंगा, 5वें दिन जब सर थे हमारे साथ, तो 5वें दिन सर ने हमें बताया कि किस तरह से हमें इमोशन सपोर्ट मिलता है, फैमिली से सपोर्ट मिलता है, हमारे टीचर से सपोर्ट मिलता है, लेकिन साथ साथ में यदि हमें बूस्टअप मिलता है तो बूस्टअप इस तरह से काम करता है, यदि हम कहीं भी समस्या में हैं तो हम आगे उस समस्या से निकल पाते हैं। तो मैं यहाँ पे सुमित दत्ता सर का बहुत और बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों को इस तरह की सभी जानकारियों से अवगत कराया। थैंक यू सो मच। वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ सर, आपने बहुत कम शब्दों में और नट सेल में आपने पूरे कार्यशाला की रूपरेखा और पूरे कार्यशाला का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वैलिडेटरी एड्रेस के लिए मैं अपने प्रिंसिपल मैडम से ये आग्रह करता हूँ कि कृपया आप अपना एड्रेस करें। और मैं इसी बीच ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे अविनाश सर, हमारे डायरेक्टर सर, अचानक सैनिक स्कूल तिलिया डैम में के जो नए प्रिंसिपल आए हैं उनके साथ एक मीटिंग में व्यस्त हो गए हैं और वहाँ वो एक्सक्यूज कर रहे हैं कि मैं नहीं आ पाऊँगा, तो उन्होंने अपना मैसेज यहाँ दे दिया है, तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि वो नहीं आ पाए किसी कारण से। तो मैं अब अपने प्रिंसिपल मैडम से चाहूँगा कि आप इस मंच पे आएं और अपना एड्रेस दें, आदरणीय प्रिंसिपल मैडम। थैंक यू जा सर, ऑडिबल है? जी जी जा सर, ओके। रिस्पेक्टेड रिसोर्स पर्सन श्री सुमित दत्ता सर, वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर, वर्कशॉप कन्वीनर, फैकल्टीज, नॉन टीचिंग टीम मेंबर्स, टेक्निकल सपोर्टिव टीम मेंबर्स, माय डियर स्टूडेंट, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। यह 6 दिवसीय वर्कशॉप तो काफ़ी इंटरैक्टिव रहा। आपको ये बता दूं कि आज तक के ये तीसरे 3 साल से ये लगातार ये वर्कशॉप हो रहा है और महाविद्यालय में इस तरह के वर्कशॉप को अटेंड करने का मौका मुझे नहीं मिल पाता है। बस मैं इनॉग्रल और वैलिडिटी सेशन को ही अटेंड कर पाती हूँ, और जबकि मुझे ये 5 दिन में बहुत ही पीसफुल माइंड से आप लोगों के साथ जुड़ी रही और सभी सेशंस को अटेंड करने के बाद मुझे ये लगा कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, आप लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होता है तभी मुझे पता चलता है कि हमने क्या अचीव किया है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव के अंदर था कि टू एनेबल स्टूडेंट टू डेवलप अ विजन ऑफ लाइफ फॉर देमसेल्व्स, नंबर 2 टू एनकरेज स्टूडेंट टू गिव कॉन्शियस डायरेक्शन टू देयर लाइव्स, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर देयर एक्शन, एंड नंबर 3 इज टू डेवलप अ होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, एंड नेक्स्ट 1 इज टू फैसिलिटेट द पर्सनल ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट्स बाय हेल्पिंग देम टू आइडेंटिटी देयर ओन पोटेंशियल।
Next one is to develop the power of positive attitude. And next one is to encourage a student to develop the capacity of self-reflection and personal interaction. और भी कुछ थे पर आप लोग इसको सुनने के बाद जहां तक मैं समझ पा रही हूँ और मैं देख पा रही हूँ कि इस 6 दिनों में आपने उपरोक्त उद्देश्यों को शॉर्ट एनालिसिस, मोटिवेशन, गोल सेटिंग, वर्क प्रायोरिटीज, प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, प्रोकास्टिनेशन, चंकिंग, इमोशन मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, मैनिपुलेशन हैंडलिंग, सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन स्टाइल, हैंडलिंग थिंकिंग, उपरोक्त टॉपिक पर आपने डिस्कशन किया और भी कुछ टॉपिक्स थे लेकिन मैं इन सभी पे फोकस करना चाहूंगी और ये सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करके एक सक्सेसफुल वर्कशॉप बनाया. इसके लिए मैं इस वर्कशॉप के रिसोर्स पर्सन मिस्टर सुमित दत्ता सर को बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देती हूँ. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो सो मच. आपने इस वर्कशॉप को काफी इंफॉर्मेटिव और इंटरक्टिव बनाया है. लास्ट ईयर और आज फिर से मैं एक कमिटमेंट और एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसे पिछले 3 वर्षों से आप हमारे साथ रहे हैं उसी तरह आने वाले सेशंस में भी आप इस महाविद्यालय के साथ हमेशा हमेशा जुड़े रहें. इस वर्कशॉप के वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर मिस्टर सीएन झा और वर्कशॉप कन्वीनर को भी मैं सौरभ जी को भी मैं इस सफल वर्कशॉप को बेहतरीन ढंग से आयोजित करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देना चाहूंगी. यह आप लोगों ने कड़ी मेहनत से सफल बनाया है. चूंकि टेक्निकल सपोर्ट के बिना यह वर्कशॉप बिल्कुल अधूरा था क्योंकि हम लोग इस पर डिपेंड करते थे. इसमें नीरज और रोहित ने जो सराहनीय कार्य किया है आप दोनों का बहुत बहुत शुभकामनाएं. इस वर्कशॉप में टीचिंग और नॉन टीचिंग टीम मेंबर्स जो भी इस वर्कशॉप से जुड़े रहे हैं उन सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं. इस वर्कशॉप को पॉजिटिव कंसेंट देने के लिए हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर सर अविनाश सर को भी महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी जिनके पॉजिटिव सोच के कारण हम लोग इस वर्कशॉप को अरेंज कर पाने में सक्षम हुए हैं. हमारे बीएड के प्रशिक्षु जिन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया और उस आधार पर मैं विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि आप इस वर्कशॉप से काफी लाभान्वित हुए हैं. अब आप इस सेशन के अंतिम पड़ाव पर हैं. मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी प्रशिक्षुगण इस महाविद्यालय Am I audible or not? Yes, yes, ma'am. थोड़ी सी आवाज कट के आ रही है. थोड़ी सी कनेक्शन में प्रॉब्लम. ओके. महाविद्यालय से पास आउट होने के बाद जहां भी जाएंगे अपना परचम लहराएंगे. आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी और यही चाहूंगी और आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, अपने कर्मों से एक नया इतिहास पैदा कर, मांगने से कुछ मिलता नहीं, अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर. जैसा कि आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना मिल जाए. जी हाँ, अराइज अवोक एंड डोंट स्टॉप योरसेल्फ अंटिल यू अचीव द गोल. सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड वंस अगेन मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर द ग्रैंड सक्सेस ऑफ दिस वर्कशॉप विद लॉट्स ऑफ गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू मैडम. बहुत ही कम शब्दों में मैडम ने अपना बात रखी है और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे वर्कशॉप में मैडम हमारे साथ जुड़ी रहीं और तभी जाकर के इतने अच्छे तरीके से उन्होंने ब्रीफ करके जो है बताया है कि आपने इस पूरे वर्कशॉप में किस प्रकार से जो है कौन कौन से विषयों पर चर्चाएं हुई हैं. ये काफ़ी सराहनीय है और जैसा कि मैंने सभी से पहले ही बता दिया है कि हमारे साथ अभी अविनाश सर नहीं जुड़े हुए हमारे डायरेक्टर सर, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ सुमित सर से कि हमारे डायरेक्टर सर नहीं जुड़ पाए. तो मैं आगे इस वैलिडेटरी सेशन के आगे, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम रह गया है, मात्र मेरे पास 10 से 15 मिनट समय बचा हुआ है, तो मैं अब अपने इस कार्यशाला के जो रिसोर्स पर्सन है मैं उनके सम्मान के लिए, मैं उनके सम्मान में मैं उनके लिए एक ई मेमेंटो हमारे जो टेक्निकल पर्सन है मिस्टर नीरज कुमार उन्होंने बनाया है, तो मैं चाहता हूं कि वो ई मेमेंटो हमारे प्रिंसिपल मैम अपने आभासी कर कमलों से ही
हमारे सुमित दत्ता सर को प्रदान करें। मैं चाहता हूं कि आप नीरज जी बस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये मैम आज सामने रहते तो शायद हम फ्रेम करा के देते, लेकिन आज परिस्थिति नहीं है तो मुझे परिस्थिति के हिसाब से ही चलना होगा। मैम प्रिंसिपल मैम, हाँ थैंक यू सो मच सर एंड प्लीज एक्सेप्ट दिस, थैंक यू सो सो मच, प्लेजर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। And I take Grizzly as my family, जैसे हमने। Yeah, exactly. You are the family member of this institution. Finally. Thank you. Okay, thank you very much, Neeraj ji. आपने बहुत मेहनत करके। Thank you, Neeraj sir. Wonderful. तो मैं ये mail कर दूँगा सर आपको। अब वो जैसा कि हम लोग लास्ट में हम आ गए हैं और वोट ऑफ थैंक्स मुझे करना है, मैं थैंक्स नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि सर हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ आते हैं हर साल, जब इनकी जरूरत पड़ती है तो मुझे ना नहीं सुनना पड़ता है, वो एकदम तैयार हो जाते हैं। तो मैं लेकिन औपचारिकता मुझे जो है वो करनी पड़ेगी, तो मैं सबसे पहले मैं अपने रिसोर्स पर्सन सुमित सर का धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप इस पेंडेमिक में भी आपने हार नहीं माना, जैसे हम लोग हार नहीं माने, आपने भी हार नहीं माना और जैसा कि आपने खुद कहा इस मंच पे कि मैं पहली बार ऑनलाइन जो है मैंने ये इस तरह का वर्कशॉप किया है, तो ये मेरे लिए भी बड़ा अचीवमेंट का विषय हो गया कि मैं जब भी कभी आने वाले समय में इसकी चर्चा करूंगा तो मैं आपका नाम जरूर लेना चाहूंगा कि हमारे यहाँ सबसे पहला जो वर्कशॉप हुआ ऑनलाइन और वो हमारे सुमित दत्ता सर के माध्यम से हुआ और पहला ऑनलाइन जो वर्कशॉप है ये इतिहास दर्ज कर गया इस महाविद्यालय के लिए, और शायद आगे जो स्थिति बन पा रही है वो हम लोग इसी तरह से जीना चाहेंगे, ये सब आप जानते ही हैं। तो मैं इस कार्य के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ग्रिजली परिवार आपका हमेशा आभार प्रकट करता है कि आपकी जब जब हमें आवश्यकता पड़ी है आप बेझिझक हमारे लिए तैयार हो गए हैं, तो मैं इसके लिए आपको दिल से साधुवाद आभार। अब मैं अपने प्रिंसिपल मैम का भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा क्योंकि जब मैंने उनसे बात की कि क्या मैम हम लोग बच्चे का सिलेबस कंप्लीट होने को है तो हम लोग क्या ऑनलाइन वर्कशॉप करा सकते हैं, मैं शुरू में बहुत डरा कि कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह से बच्चे लोग जुड़ पाएंगे, क्योंकि सब लोग डर गए थे कि जूम ऐप ऐसा है वैसा है, बहुत तरह की बातें हुई, हम लोग क्लास के लिए रहे तो हम लोगों ने बंद भी किया था आप लोगों के फीडबैक से, लेकिन फिर धीरे धीरे जूम ऐप में बहुत सारे सुधार हुए और अभी रिसेंट में अभी कोई ऐसा केस नहीं आ रहा है कि किसी तरह की कोई बात हो, तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि नहीं हम लोग कर सकते हैं, बच्चे लोगों ने भी पिछले ऑनलाइन क्लास में इस ऐप के साथ जुड़े थे, तो हम लोगों ने कुछ बच्चों के साथ भी बातचीत किया और सभी लोगों ने मुझे कहा कि नहीं सर आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं प्रिंसिपल मैम के साथ ये डिस्कस किया और तुरंत मैम तैयार हो गई और हमारे दत्ता सर से बात करने को कहा और आज आप उसका देख रहे हैं कि आज हम लोग वर्कशॉप कर भी लिए, 6 का 6 दिन वर्कशॉप हो गया और आज हम धन्यवाद ज्ञापन कर पा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं प्रिंसिपल मैम को इस प्रोत्साहन के लिए, इस अभिप्रेरणा के लिए मैं हमेशा ऋणी रहूंगा कि आप हर समय जो भी चीजें मुझे नीड होती हैं, जो भी आवश्यकताएं होती हैं एकेडमिक, आप पीछे नहीं हटती हैं और बढ़ चढ़ करके मुझे अपना आशीर्वाद देती रहती हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने अविनाश सर का क्योंकि उनके उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में ये वर्कशॉप कंप्लीट हुआ है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे वर्कशॉप में वो आज जुड़े रहे और अनफॉर्चुनेटली आज ही वो वर्कशॉप से थोड़ा सा कट गए, आप देखे होंगे वो पूरे वर्कशॉप में रहे हैं, लेकिन सब काम होना चाहिए क्योंकि संस्था बड़ा है तो लोगों के साथ मिलना जुलना होता ही रहता है, लेकिन ये भी जरूरी है, ये भी एक हिस्सा है मैनेजमेंट का, ये भी पार्ट है लीडरशिप का, वो काम भी करना बहुत जाना पड़ गया, फिर भी इस मन से मैं उन्हें अपने तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, सभी फैकल्टी मेंबर की तरफ से, सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से मैं उनका भी
आभार उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं अपने कन्वेनर सौरभ सर को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो पूरे इस वर्कशॉप का को अच्छे तरीके से सुने हैं, अच्छे तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज भी किया है, मेरे साथ वो हमेशा लगे रहे। और जस्ट मुझे कहने में ये कोताही नहीं है, मैं इस मन से ही कह दे रहा हूँ कि मुझे लगता ही नहीं है कि वो मेरे भाई नहीं है, जो कहता हूँ वो तत्क्षण तैयार हो जाते हैं। और कोई इस चीज को बुरा ना लें क्योंकि सब मेरे भाई हैं, लेकिन ये एक खास भाई है हमारे, क्योंकि मैं ये जब भी कुछ भी चाहता हूँ कुछ करने को, ये एकेडमी करना है सौरभ सर कैसे करें थोड़ा डिस्कस कर लें, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आज इस तिलैया में हम और सौरभ सर यहाँ पे लगे हुए हैं, आना जाना कर रहे हैं, टीचर्स से भी सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं है, बाकी टीचर्स भी हमें सपोर्ट किए हैं, कॉपरेट किए हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन सौरभ सर से मुझे काफी सपोर्ट पूरे पेंडेमिक में मिला है, चाहे वो टाइम टेबल को लेकर के हो, चाहे वो किसी प्रकार के कार्यक्रम को लेकर के हो, वर्कशॉप को लेकर के हो, तमाम तरह के जो चीजें हुई हैं इस लॉकडाउन पीरियड में, उनका सपोर्ट हमें 100% मिला है। तो मैं उनके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे लिए, मैं उनको बार बार अपने छोटे भाई होने के नाते में बार बार धन्यवाद और आशीर्वाद भी देता हूँ कि वो इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और हमेशा सभी कार्यों को सफल बनाने में पूरा सहयोग करें, पूरी अपनी भूमिका निभाएं, ऐसी शुभकामना मेरी सदा उनके साथ है। मैं अपने दोनों टेक्निकल स्टाफ, सबसे पहले मैं रोहित का नाम लेना चाहूँगा कि रोहित ने भी काफ़ी मदद की, उन्होंने स्टार्ट डे से ही जो है, डे वन से ही जो है हमारे साथ जुड़े रहे और उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया, चाहे वो न्यूज़ लिखना हो, टाइप करना हो, उसे भेजना हो, आज भी न्यूज़ जा रहा है तो उनका भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है। साथ में मैं नीरज का भी नाम लेना चाहूँगा, मैंने जब नीरज के साथ डिस्कस किया कि नीरज जी हमें वर्कशॉप कंडक्ट करवाना है, तो नीरज ने कहा कि हाँ सर मैं तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये जो सुनना चाहता था, ये सुन करके मेरा और सीना चौड़ा हो गया कि देखो मुझे डर लग रहा है और इसे डर नहीं है, क्योंकि कंडक्ट तो इसे ही कराना है, इसे ही बनना है। तो इन्होंने पूरे तत्परता के साथ और पूरे अपने उत्साह उमंग के साथ इस ऐप के माध्यम से हम लोगों को जोड़ा और सबके साथ एक दूसरे का साक्षात्कार करने का प्रयास किया। तो चूंकि जो तकनीकी है, हम आज तकनीकी से ही सब लोगों के साथ एक साथ जुड़े हुए हैं, और शायद यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होता या किसी तरह की कोई बात होती तो शायद ये पूरा प्लान और ये पूरा कार्यशाला जो है एकदम ये गड़बड़ हो जाता, लेकिन तकनीकी ने भी हमें सहयोग दिया। छोटी छोटी बातों को ले लें, थोड़ा सा कि नेटवर्क प्रॉब्लम था, बीच में आवाज कट जा रही थी, तो ये छोटे छोटे इशू हैं, लेकिन हम उससे घबराने वाले नहीं थे, क्योंकि हम लोगों ने बीड़ा उठा लिया था कि नहीं, हम लोग किसी तरह से करना ही है और करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। तो नीरज ने हमें काफी सपोर्ट किया और टाइम से हम लोग जुड़ते रहे, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग 10:16 पे मेरा जो है वो होस्ट हो, खुला हो या ओपन हुआ हो, हम लोग एकदम टाइम से 1 मिनट पहले या 2 मिनट पहले हम लोग जुड़ जाते थे। तो ये जो पंचुअलिटी है, ये दिखाता है कि हम कितने काम के प्रति सजग हैं, कितने जिम्मेदार हैं। मैं ऐसे व्यक्ति को सलाम करता हूँ कि वो आप इस तरह से काम कर पा रहे हैं। अब मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। धन्यवाद क्या दूँ, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज के बाद शायद ही हम लोग किसी तरह से कोई क्लास में हम लोग बातचीत कर पाए, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है दूर दूर तक। और ये मंच था एक ऐसा जहाँ पे हम लोगों ने एक सपना देखा कि इस लॉकडाउन में हम लोग कैसे, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जब क्लासेस चलते हैं मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि 25 30 35 40 बच्चे ही क्लास आ पाते थे, आज 60 65 बच्चे आज इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे क्लास में जो आनंद की अनुभूति नहीं हो रही थी, वो आज वर्कशॉप में आनंद की अनुभूति हुई कि मैं इतने सारे कैंडिडेट्स के साथ, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ मैं जुड़ा हूँ, सभी लोग जुड़े हुए हैं, सबका चेहरा देख पा रहे हैं, सबकी आवाज़ सुन पा रहे हैं और सबको अवसर भी मिला है। तो मैं इन सभी के लिए और खासतौर पर मैं उन पार्टिसिपेंट्स के लिए मैं जरूर कहना चाहूँगा, नाम के साथ मैं कहना चाहूँगा, खासतौर पर आकांक्षा मिश्रा जिन्होंने अपना एक सरस्वती वंदना गाया है, स्टार्ट में स्वागत गीत के लिए मैंने श्वेता और ये सीमा कुमारी को भी मैंने आमंत्रित किया। साथ ही साथ पूरे कार्यक्रम में मैंने देखा कि 5-7 लोग, जैसे कि मैंने स्टार्ट में नाम लिया था, ईरा हो, चाहे वो सोमेश रंजन जी हो, रवि मिश्रा हो, चाहे वो मोना सिन्हा हो, राखी प्रसाद हो, पूनम कुमारी हो, सलोनी भदानी हो, मैं सब लोगों का जिन्होंने पूरे कार्यशाला में अपना 100% जो है वो
पार्टिसिपेशन दिया है, मैं तहे दिल से उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि ये कार्यशाला केवल सुनने के लिए नहीं था, इस कार्यशाला को आप अपने जीवन में उतारिए, तभी ये कार्यशाला सफल माना जाएगा, सफल साबित होगा, अन्यथा ये यही खत्म हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहता। इसको जीवन में उतारिए, फिर देखिए क्या कमाल होता है। और जैसा कि सर ने कहा कि जो भी लोग ऐसे हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जो अपना फीलिंग शेयर नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो नहीं कर पाते, शायद उनको अलाउ नहीं था, अपना जो है वो नहीं कर पा रहे थे, तो वो ओपन है, वो आप इंडिविजुअली सर से बात कर सकते हैं। नंबर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हमने शेयर किया हुआ है, आप कभी भी सर से आप बात कर सकते हैं। सर अच्छे परामर्शदाता का रोल करते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इनकी बातों से आपको लगा होगा। मैं आपको बताऊं कि मैं इनको इतना सुना हूं, मैं इनको इतना पढ़ा हूं कि जितना हम लोग सुन सके हैं वो इनके नॉलेज का 10% भी नहीं। जब आप इनको सुनिएगा और बहुत चीजों के बारे में जब इनके साथ बातचीत करिएगा, डिस्कस करिएगा, तो अथाह है, आपके पास खत्म नहीं होगा, आप सुनते रहिए इनको, बहुत मजा आएगा। और दूसरी बात यह है कि मैं ये कहना चाहूंगा सभी पार्टिसिपेंट्स से कि जिन लोगों ने मैं अपना इसमें नाम तो दिया, अटेंडेंस भी बनाया, लेकिन वो अपनी बात नहीं रख पाए, लेकिन फिर भी वो पूरे वर्कशॉप में जुड़े रहे, मतलब 2 घंटे का हो, 2.25 घंटे का हो, वो पूरे वर्कशॉप में जुड़े रहे, तो वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनको भी ये एड्रेस करना चाहता हूँ। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि हमारे ये वर्कशॉप हमारे स्टूडेंट्स के लिए था, 18-20 बच्चों के लिए था, बीएड के लिए था, तो मैं सभी बच्चों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं यही इसी मंच से अपने आसपास और प्रत्यक्ष रूप से जो भी है हमारे अपने टीचर्स, हमारे अपने जो भी नॉन टेक टीचिंग स्टाफ्स है, मैं सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। मैं मीडिया वालों का भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा कि उन्होंने न्यूज को भी निकाला। तो इस प्रकार से मैं क्या कहूँ, मैं अंत में यही कहूंगा कि जब भी हमें रिसोर्स पर्सन से आगे कभी भी अवसर मिलेगा तो मैं जरूर सर से संपर्क करूंगा। साथ ही साथ अंत में यही कहूंगा कि जो लोग नहीं जुड़ पाए, मैंने देखा कि 70-75 तक गया अटेंडेंस, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जुड़ पाए, वो कारण हो सकता है कि वो टेक्निकल समस्या हो, तकनीकी समस्या हो, मैं जान सकता हूँ। तो मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। लास्ट में यही कहूंगा कि मत परवाह कर उनकी, जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना, लहरें बन जाए तूफान कश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे ही, क्योंकि लोगों का काम है कहना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस 6 दिवसीय कार्यशाला की समाप्ति की घोषणा करता हूं। और लास्ट में मैं सभी को से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि नेशनल एंथम के लिए हमारे कार्यशाला का नेशनल एंथम है, मैं उसको गा लूं, सब लोग खड़े हो जाए अपने अपने जगह पे और इस कार्यशाला का सब लोग अपने अपने घर पे खड़े हो जाए। स्टार्ट करते हैं, रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। जनगण अधिनायक जय हे, जय हे, भाग्य विधाता पंजाब बंगाल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उपकल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आसागे आहे जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद।
भारत। इस प्रकार से इस 6 दिवसीय कार्यशाला की समाप्ति की घोषणा मैं ये कर रहा हूँ। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।